अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उन लोगों को मेरी बात आ रही है और क्या चल रहा है यार? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर अगर किसी को बीच में आवाज़ का प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये हाइब्रिड क्लास है, मे बी आई एम मूविंग अराउंड, तो मेरा चैट पे हर वक्त नज़र नहीं होगी। एक ये कर सकते हैं कि मेरा नंबर मैं लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट जो है ना फिर मुझे इस पे कॉल कर देगा, ताकि जस्ट टू गेट द अलर्ट कि आप लोग की वॉइस अगर डिस्टॉर्ट हो गई है, क्योंकि मैं हाइब्रिड पर आ रहा हूँ। ये मेरा नंबर चला गया। अच्छा जाहिद, अब ये इस तरह पढ़ाऊंगा कि मैंने सर शुरू कर दिया, इतना ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, अब आई कैन वॉक अराउंड कि ये ब्लूटूथ है ऐसे, लेकिन जब वहाँ से कोई बात आती है तो इसको 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 थोड़ा बड़ा कर सकते हैं चैट को, मतलब अभी बिल्कुल अगर दो तीन सवाल इकट्ठे आएंगे ना तो वही फंस जाएगा। इसको हटा देते हैं। हाँ इसको हटा दें फिलहाल। नहीं ठीक नहीं है ना, ये कट रहा है ना यहाँ से, इसको इसको इसको। हाँ ठीक है, ऊपर रख लीजिए अभिषेक, नेक्स्ट स्लाइड बात है, नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे हैं। अब वापस चला गया वो यार, ये मैं बार बार क्वेश्चन को लोग, मैं अगर ये पढ़ा रहा हूँ किसी बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टूडेंट्स एंड देन वी विल कम टू ऑनलाइन। मेरा माइक अनम्यूट है, वो दफा कर दो साथ साथ ताकि ठीक है। ओके सो स्टार्ट विद यू, फिर आगे कोई है जो व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखने के लिए, और यहाँ पे किस तरह लिखूंगा मैं उसके लिए, वो है तो कुछ चीज है और वो भी खोल देना। ऑनलाइन आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? अभी इधर ही बैठे हैं, इतनी दूर जाना नहीं है, इधर भी क्लास ही हो रही है, बस हम जहाँ पकौड़े भी बैठे। हाँ जी कंप्लीट हो गए। अच्छा कहाँ से किया आर्टिकल, और अभी जॉब उधर ही कर रहे हैं यहाँ? ठीक है गुड, आपसे तो पहले है मुलाकात की नहीं? अच्छा कहाँ पे? डुप्लीकेट में? अच्छा ठीक है, ये एज आप इंश्योरेंस में? ठीक है, किस पार्टनर के साथ हो? हाँ ठीक, तुम सर आर्टिकल कर रहे हो, कौन कौन से क्लाइंट किए? अश्योरेंस में आर्टिकल में। काफी देर मतलब 4-5 साल हो गए। अच्छा फिर जॉब छोड़ दी, कब छोड़ी? पिछले महीने?
इसी पेपर के रिजल्ट आया बस अब बहुत हो गई। तो अभी लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था? ठीक है हाँ भाई एक्सेशन तुम्हारे जो थे पहले दोस्त अभी अभी क्वालिफाई किए उन्होंने एक दो तो क्या नाम थे अभी तुम्हारे सीनियर होंगे अभी तो यूसुफ फादिल में काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से एक तो अभी बाहर भी चला गया बिलाल कुछ है ना हाँ वो भी इसी क्लास पिछली या पिछली से पिछली क्लास में हाँ और एक और भी था एक लड़का यार उसने भी इस दफा कर लिए क्वालिफाई का हाँ पाकिस्तान चलो गुड तो राणा साहब भी देखते हैं टैक्स सारा कुछ करेंगे हाँ 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 चलो गुड आर्टिकल नहीं कितना अभी अभी खत्म हुए हैं इंट्रोडक्शन चल रहा है ओए हो तो पहले पढ़ी क्लासेस तो आपने सोचा कि वक्त निकाल ही लिया जाए चलो जब तो आर्टिकल्स कहाँ से यार ये लीजिए मतलब चलें जी ऑनलाइन की तरफ चलते हैं तो उसमें ये कि यू कैन यूज योर मे बी क्या कहते हैं अच्छा हमारे पास स्पीकर तो नहीं है ना क्या मैंने कहा स्पीकर हाइब्रिड के स्पीकर तो अभी सारे बैठ के फिर मैं अकेला सुनूंगा और बोर हो जाएंगे ना सारे यार उत्तराखंड के लिए मनोरंजन का कोई सामान हो तो फिर तो चलो ये रहेंगे अच्छा जी चलो आज के लिए जरा अगर कोई माइक यूज करना चाहे तो कर ले लेकिन अगर लिखना चाहे तो यू कैन ऑल्सो राइट सो वील स्टार्ट विद सईद अहमद सईद अहमद अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें Now you can unmute yourself. Sayyid Ahmed. Assalamu alaikum, sir. Haan? Sayyid Ahmed, मेरा नाम है और मेरे आर्टिकल अभी खत्म हुए हैं रियाज अहमद साकिब बोर्ड से अच्छा और तीन पेपर मेरे रहते हैं एम एस ए वन टू और लॉ तो अभी आर्टिकल तक खत्म हुए आर्टिकल को तो अभी एक हफ्ता हुआ है बस खत्म हुए तो ये पहली अटेम्प्ट है एमएससी की कौन सी है जी सर अभी बस फर्स्ट अटेम्प्ट है ये अच्छा चलो ठीक है थैंक यू जी सर वेलकम सो ओवर टू यू अक्षा कमल फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ एमएससी टू आपके आर्टिकल तक खत्म हुए कहां से हैं सईद सईद आर को अपने सिटी का नाम भी साथ लिख दिया कहां से भी वैसे तो सर मैं गोटकी से हूँ मगर अभी मैं लाहौर में रह रहा हूँ अच्छा चलो ठीक है गोटकी सिंध से जी सर अच्छा गुड गुड प्लेस टू विजिट मैंने दो दफा जिंदगी में विजिट किया गोटकी सही सुपरवाइजर इन बीडी इस्लामाबाद अक्सर जो है वो सुपरवाइजर है जून ठीक है ये ईशा अख्तर तो आप है वो जिशान एंड वो जो क्या नाम है आपके पार्टनर का जिन्होंने भी कॉन्टेक्स्ट भी दिया था मेरे हिसाब से इलेक्शन
अच्छा उसके बाद हसीब अहमद, फैसलाबाद, अहमद जब्बार साहब। हाँ बिल्कुल ठीक। अस्सलामुअलैकुम सर, पाकिस्तान हसीब अहमद मेरा नाम है और अभी मैंने रिसेंटली आर्टिकल्स कंप्लीट किए हैं एजीएस पार्क रसल फैसलाबाद से नवंबर अच्छा में। गुड। तो और अभी अगर चार, हाँ जी अभी मैं सर स्टडी कर रहा हूँ, आखिरी चार पेपर रहते हैं वो देने हैं। ठीक है जानदेव यूनस, नोमान सज्जाद, ताहिर आप भी अपना ग्रुप चैट में बता दें ताकि सारे पढ़ लें। जी अस्सलाम वालेकुम, नुमान बात कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। हाँ जी, मेरे आर्टिकल्स अभी जस्ट फर्गसन से मेरे आर्टिकल्स कंप्लीट हुए हैं दिसंबर में, और मैं लास्ट थ्री अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है में से टू और वन की, और साथ टेक्स्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कहाँ पे होते हैं आप आजकल? अच्छा मैंने अभी जॉब स्टार्ट की है, ये सफायर ग्रुप के अंदर डायमंड फैब्रिक्स है वहाँ पे। ठीक है। ताहिर साहब फैसलाबाद आर्टिकल कंप्लीट, ठीक है। जी जी सर, आवाज आ रही? जी आ रही है। जी सर, मेरे आर्टिकल्स फर्गसन से कंप्लीटेड हैं और रिसेंटली मैं जॉब कर रहा था, तो आई क्विट माय जॉब फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ माय सीए। तो सर मेरा ऑडिटिंग बीएफडी अभी पास हुआ है, तो मैं एमएसए टू के लिए अभी एलिजिबल हूँ। तो मेरा एमएसए टू और ऑडिट जो है वो लेफ्ट सज्जाद रह गए मेरे ख्याल से, सज्जाद हसनैन। जी कायनात, प्लीज आप इंट्रोड्यूस करें। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तान जी। मेरा नाम कायनात है और मैं रिसेंटली अभी आर्टिकल्स कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुए हैं, 2 साल हुए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी दिसंबर में केपीएमजी से, अच्छा गुड। केपीएमजी कहाँ से? अभी एमएसए की अटेम्प्ट दे रही हूँ फर्स्ट, क्योंकि लास्ट में 4 क्वालिफाई किए थे मैंने पेपर, एमएसए के लिए एलिजिबल हूँ। तो आप केपीएमजी कहाँ से हैं? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर? कहाँ से? केपीएमजी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से। चलें बिल्कुल। तो किस पार्टनर के साथ काम करती हैं? मैं रियाज पसनानी। ठीक हो गया। जी सज्जाद हसनैन साहब। अभी क्या कर रहे हैं आप आजकल? अच्छा मुझे बताएं कि इस क्लास में और ऑनलाइन भी टेस्ट चैट में बताएं कि कितने लोग हैं जिन्होंने पहले पेपर अटेम्प्ट किया हुआ है एमएसए का? आपने? अच्छा, और ऑनलाइन में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ? दो लोग हैं। और इनमें से कितने लोग जिन्होंने पहले क्लासेस पढ़ी हुई हैं और दोबारा क्लासेस पढ़ रहे हैं? आपने नहीं पढ़ी हुई। असद एंड जहांजेब जूनस, आप लोगों ने पहले क्लासेस पढ़ी हुई? अच्छा, ठीक है। और आप लोगों में ऐसे जिसने एमएसए वन अटेम्प्ट किया था, इनको उसको आइडिया है केस स्टडी एमएसए वन आपने अटेम्प्ट किया हो? और ऑनलाइन में कुछ स्टूडेंट्स ने एमएसए वन, एमएस टू तो जाहिर सी बात है, बता दिया आपने, एमएस सेवन एक स्टूडेंट हमारे पास ऑनलाइन है जिसने, ठीक है, एमएस सेवन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, ठीक है, एक ही है, ठीक। चले गुड टू नो जी। और आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दिस इज शाहदेव सामल, और प्राइमरीली जो है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूँ।
और आई केम अक्रॉस दिस प्रोफेशन बाय चॉइस नॉट बाय चांस बट इट वाज माय चॉइस टू बिकम. उस टाइम पे ये था कि कुछ कुछ जो है ना बहुत बड़ा करना है जिंदगी में, तो उस टाइम लगता था ये सबसे कुछ बड़ा है उस पॉइंट ऑफ टाइम. सो फिर देन वी आई ऑप्टेड फॉर दिस. तो फिर जब मैं इधर आया तो मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट विजिट किए, तो कुछ मैंने सी ए के इंस्टीट्यूट विजिट किए, तो मैं चलो उस टाइम नए नए ए सी सी भी चल रहा था, फिर कुछ वो इंस्टीट्यूट भी इशू किए. तो कुछ जिंदगी की बाहर जो है मुझे ए सी सी ए में ज़रा ज़्यादा नज़र आई. मैं थोड़ा यार कार्मिन किस्म के लोग हैं, कुछ हरकत नब्ज़ लोगों की गलती नज़र आ रही है. और यहाँ पर आया मैं तो यार कोई हस्पताल में लोगों में मिल रहा हूँ ऐसे बेचारे, सो मैं यार ये तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊँगा. तो देन मैं आई ऑप्टेड फॉर ए सी सी ए फ्रॉम स्टार्ट. उस टाइम ये लगा कि यार कि कैट करके तो जैसे कोई लाख रुपए की तनख्वाह लग जाएगी, और ए सी सी करके कम 3.5-4 लाख रुपये में खेल रहा हूँ. इस तरह शुरू शुरू में इधर उधर की बातें. खैर ओवर टाइम ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो अभी सफ़र बहुत लंबा है. तो देन आई कम्प्लीटेड माई ए सी सी एट द एज ऑफ 20, सो इट वॉज वेरी क्विक. सम हाउ उस टाइम पे जो कुछ बहुत कुछ करने का जज्बा था, और पहले कुछ किया भी नहीं हुआ था एफएससी तक, तो सारे वो एनर्जीज बची हुई थी या तो कोई पहले बहुत कोई डिग्रियाँ ले ली होती, सो एनर्जी वॉज फुल. कुछ थैंक यू कुछ किया ही नहीं था. तो देन आई डिड ए सी सी आई वॉज 19-20 व्हेन आई क्वालिफाइड. ये दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा. ये उसके वो नहीं है तो कोई इन्वर्टर वगैरह चला रहे हो, कोई नहीं ऑप्शन है. चलो थोड़ी देर बंद कर लो फिर दोबारा खोल लेंगे, सब कुछ कर लो फिर. ठीक अच्छा. सो फिर आई स्टार्टेड माय आर्टिकल्स फ्रॉम केपीएमजी. सो मैंने आर्टिकल्स जो किए वो केपीएमजी से स्टार्ट किए. इट वॉज नॉट आर्टिकल, मैंने इंटर्नशिप से स्टार्ट किया, और 6-7 महीने में मुझे एहसास हुआ कि अगर आपने इस माशरे में बाइज्जत तरीके से रहना है और आपने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाना, तो यू नीड टू बी सीए. सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी कुछ चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन थी कि सीएफए कर लेते हैं वो कर लेते हैं. तो मैं कह नहीं यार अब तो फर्म के एटमोसफेयर में आके आपको लगता है कि यार ये तो There is a difference. We should not have been or could have not been. एक अलग बहस है, कोई उसके हक में कोई अगेंस्ट है, but that was a reality which should be accepted. So I accepted that reality. So after a year, I opted for articles. यानी कि एक साल गुजारने के बाद ACC से मैं CA में, then I shifted. और फिर मैंने CA start हो गया. उस दौरान भी I used to teach even डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन उस टाइम बहुत पीक था, एक मैं 10-11 की बात कर रहा हूँ उस जमाने में ए सी सी ए का. तो डिफरेंट हमारे दो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, हमने अपनी अकेडमीज बनाई हुई थी, तो वहाँ पे भी वी यूज टू टीच. देयर वाज अ वेरी बूम, सो देयर वाज अ वेरी गुड अर्निंग वी यूज टू हैव एट दैट टाइम. सो फिर ये जब अपना सी ए स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने थोड़ा टूक अ ब्रेक, और फिर मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया. और जब मैंने आर्टिकल एश्योरेंस स्टार्ट किए, और जब एक साल गुजरा तो मैं कह रही ये जिंदगी मेरी खत्म हो जाएगी एश्योरेंस के अंदर, ये वाउचर सीधे करते और वर्क डन करते और ये चीज़ें वापस में टैली करते. सो मेरा मिजाज जो था वो उसमें बहुत खुशकी आ रही थी. तो फिर मैंने कहा कि कुछ और करते हैं. फिर मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गया, कुछ समय टैक्स के साथ देखता रहा. तो उस जमाने में ना ये कंसल्टिंग नई नई परवान चढ़ रही थी, और लोग उस टाइम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे, डरते थे यार के इस डिपार्टमेंट में जो है ना वो पता नहीं क्या होगा. सो बट बिकॉज ऑफ समथिंग थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कंट्रोल को डिजाइन करना, उस टाइम पे सिर्फ बिल्कुल शुरू की कंसल्टिंग थी, रिस्क कंसल्टिंग होती थी, कोई अभी ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीजें नहीं आई थी, बट स्टिल देयर वाज समथिंग न्यू. सो आई ऑप्टेड फॉर दैट एंड स्टार्टेड सीए अलोंग साइड, और अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई. सो आई क्वालिफाइड सीए ऑल पेपर्स इन विद इन आर्टिकल्स, और विद इन आर्टिकल्स आई बिकम सुपरवाइजर 13 में. और मैंने एक डेढ़ साल शुरू में किया मैंने एश्योरेंस. उसके बाद 1.5-2 साल में आप सीनियर बन जाते हैं, केपीएमजी वैसे भी इतने ऑडिट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं.
डेढ़ दो साल में आप जॉब से पूरी कर लेते हैं, तो आपने पूरा एक साइकिल आपने देख लिया. देन आई शिफ्टेड टू रिस्क एडवाइजरी जो उनका उस टाइम पे सेटअप हो रहा था. फिर मैंने वहीं पे क्वालिफाई किया. व्हेन आफ्टर क्वालिफाइड आई स्टेड देयर फॉर अ व्हाइल एज वहाँ पे क्वालिफाई के बाद एएम असिस्टेंट मैनेजर सम फर्म में होते हैं. तो बाय द टाइम आई क्वालिफाइड सो आई आइडेंटिफाइड के कंसल्टिंग ही मुझे करनी है. मुझे समझ लग गया कि जो भी मैंने करनी कंसल्टिंग ही, चाहे मैं जहाँ पे भी जाऊँ. एंड कंसल्टिंग समथिंग वॉज लाइक समथिंग पैशन ऑफ माई लाइफ. सो फिर कंसल्टिंग में आगे एक्सप्लोर किया एवेन्यूज. तो फिर ग्लोबली मैंने अपने आप को सी वी जब अलाइन किया तो आई केम अक्रॉस के अक्रॉस ऑल बिग फोर. आर्थर एंडरसन थी नहीं, डेलॉयट कंसल्टिंग वॉज ऑन द टॉप अक्रॉस द ग्लोब एट दैट टाइम. बट पाकिस्तान में भी उसका कंसल्टिंग पे उस तरह से फोकस उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी नहीं था. और फिर उसके बाद जो बहुत इमर्ज करी थी ग्लोबली दैट वाज ईवाई, जो कि कंसल्टिंग फोकस वेरी लेजर फोकस शार्प फोकस. और पाकिस्तान में भी वो अलाइन थे अपने ग्लोबल एजेंडा के साथ उधर फोकस कर रहे थे. सो देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट फ्रॉम के पी एम जी टू ईवाई. सो देन इन 14 आई शिफ्टेड टू ईवाई. फिर उसके बाद कुछ अर्सा मैंने रिस्क में काम किया और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स भी किए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप था, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स थी. और फिर आगे अगर जा दो जो लास्ट गवर्नमेंट थी तो उसमें तो वैसे ही एक जो हमारा 5-6 पे जीडी ग्रोथ रेट चल रहा था और उसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का था. तो यू कैन इमेजिन कि किसने को कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे होंगे. सो उसमें फिर उसमें भी हम 17 में ईवाई ने फर्दर अपने आप को, पहले भी उनके डिपार्टमेंट अलग थे, फर्दर रिक्लासीफाई किया और वहाँ उसमें से परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का सेक्शन और रिस्क को अलग कर लिया. रिस्क के प्रोजेक्ट्स टीमिंग भी अलग कर ली, सब कुछ प्रोजेक्ट्स अलग कर ली सारा कुछ. तो मैंने फिर पूरा जो नॉर्थ में जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट का जो पोर्टफोलियो था दैट कम अंडर मी. तो मैंने फिर वहाँ से उसको लीड किया और लीड शेयर किया था, तो उसको मैंने ग्रो किया. सो फिर उसको ग्रो करते 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 नाउ आई वर्क विद गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग और सप्लाई चेन की कंसल्टिंग. ये दो एरियाज हैं जो कि मैं फर्म के अंदर करता हूँ. तो जो आपका इंडस्ट्रियल कमर्शियल और एफएमसीजी सेक्टर में सप्लाई चेन की कंसल्टिंग और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है आपकी बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की कंसल्टिंग. सो दीज आर द कोर फोकस एरियाज. सो अगर आप मुझसे कोई अकाउंटिंग का सवाल पूछेंगे तो मैं आपको मायूसी करूँगा कि मैंने 8-10 साल से मैंने अकाउंट्स देखे हैं, समझे हैं. वैसे मैं दो ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे भी हूँ, सो उस वजह से आई एम इन टच विद दीज अकाउंट्स. बट मेरी कोई कोर एक्सपर्टीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या IFRS नहीं है. ठीक. फिर उसके बाद क्योंकि फर्म के अंदर फिर हमारी ऑपरेशन इंटीग्रेशन और सारी चीज़ें अलाइन हो रही थी, देन आई डिड मैनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. तो मैंने शुरू की मैंने अपने करियर में, बल्कि AC से शुरू किया. बट देन आई डाइवर्स माई पोर्टफोलियो. सबसे पहले मैंने सिक्स सिग्मा से स्टार्ट किया. उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट. आई एम ऑल्सो ब्लैक बेल्ट. बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाउ टू बिकम मोर लीन, कि आपने वेस्ट को कैसे रिड्यूस करके आपने कस्टमर वैल्यू को बढ़ाना है. देन आई स्टार्टेड डूइंग टेक MBA. फिर EY की एक कोलेबोरेशन है विद हल्ट, सो मैंने फिर टेक MBA में ऑप्ट किया. और अभी मेरे तकरीबन 20 क्रेडिट आवर्स पूरे हो गए. लास्ट 4 मैंने क्लासेस पूरी होकर मैंने अपने सबमिट कर दिए असाइनमेंट्स, और रिफ्लेक्शन पेपर्स मैंने लिख के सबमिट कर दिए. आपने रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखने होते हैं. सो बाय जुलाई इट एक्सपेक्टेड कि मेरी हेल्थ में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और नवंबर में मेरा कैपस्टोन प्रोजेक्ट है मेरा. सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल आल्सो बी MBA ग्रेड फ्रॉम हल्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल. इसके साथ साथ डिफरेंट वेरियस कोर्सेज के अंदर डिजाइन थिंकिंग, एजाइल, एजिलिटी, ये सारे कोर्सेज का पार्ट थे जिससे मैं गुजरा. इसके साथ साथ एक लम्स में भी एक प्रोग्राम चल रहा है MS अकाउंटिंग एनालिटिक्स का. इसको भी आप एक उनको एक इंडस्ट्री की भी सपोर्ट चाहिए होती है, एकेडेमिया और ये मिलके जो कोर्स डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे. सो उसमें भी EY इज़ वन ऑफ देयर नॉलेज पार्टनर इन दैट कोर्स, जो अकाउंटेंट्स के लिए आगे एनालिटिक्स की जो कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए. सो उसमें भी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट कंसेप्चुअल डिज़ाइन प्रोग्राम. और टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड इनोवेशन मैनेजमेंट एक पेपर है जो 3rd मॉड्यूल का पेपर है, विच इज ऑल्सो आई एम ऑल्सो टेकिंग अप दैट कोर्स एज वेल. सो आई एम मोर लाइक अ टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग जिस किस्म का ये पेपर है. सो दीज आर द कोर फोकस एरियाज विच आई नॉर्मली वर्क एट. तो ये पूरी एक डिटेल समझाने का मकसद सिर्फ ये कि आपको पता हो कि जिस मेंटर से आप पढ़ रहे हैं उसका दिमाग चलता है किस तरह से. सो देर कुड बी मिसअलाइनमेंट कि ऑल दो
आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वो जिस जो जो आप लोग रोजाना काम करते हैं मैं वो काम नहीं करता. मैंने मतलब 10 साल हो चुके हैं उस काम को किए हुए जो उस तरह से. बट आई नो कि आप किस तरह से सोच रहे हैं क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ. और ये कोर अगर आप देखें भी तो MSA 1 और 2 में पासिंग रेट MSA 1 का ही ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे एक ट्रेडिशनल अप्रोच से वो अलाइंड पेपर है, उसकी अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है. बट स्टिल वो एक तरह का कहते हैं हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है अलाइंड. MSA 2 में पासिंग रेशो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी MSA 1 में है और इसकी वन ऑफ द रीजन. बट ऐसा नहीं है कि ये हमारी अप्रोच से बाहर की चीज़ें और क्या हम उस तरह से डिज़ाइन नहीं है. बहुत सारे लोगों की इन बिल्ट अप्रोच होती ही डिज़ाइंड है ड्यू टू सेम अदर रीजन, ड्यू टू स्कूलिंग, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिसमें वो MSA 2 से. और कई लोग आप मिलेंगे जो बगैर क्लासेस के भी कुछ मेरे लेक्चर्स ले लिए, उन्होंने बस आखिर में जो एग्जाम फोकस सेक्शन देख लिए, एक दो सेशन हो गए, दे पास द पेपर बिकॉज उनकी अप्रोच शुरू से ही सम हाउ अलाइंड थी कंसल्टिंग की, उनकी अप्रोच थी उनकी उस तरह से चीज़ों को लेकर चलने की. सो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आप जो ओपिनियन कायम करते हैं वो तो आप एक मास को रिजल्ट को सामने देखते करतेयर. तो ये वाला पेपर जो है ये आपको अक्सर सुनने को मिलेगा कि हमने पेपर बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया और आखिर तक दे आर सेटिस्फाइड विद देयर परफॉर्मेंस, बट मे बी रिजल्ट उस तरह से नहीं आते. चेंज आगे कि MSA 1 में इस तरह से नहीं है. वहाँ पर अगर आप स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंट हो तो उसकी एक्सपेक्टेशन के मिस अलाइनमेंट के चांसेस बहुत कम है. उसको खुद भी आइडिया हो रहा होता है कि यार मैंने चीज़ें मिस किए हैं. मतलब यहाँ पर देखने में जो स्टूडेंट को बहुत कॉन्फिडेंट देखा गया इवन आफ्टर पेपर भी, और फिर जब रिजल्ट आया तो फिर उसने जब रिकनसाइल किया अपने आप को तो पता चला बहुत गैप. तो हमने ये जो सफ़र तय किया इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी, बट थोड़ा सा आपको मैं कोशिश करूँगा कि मैं समझता हूँ इस बात को कि आप लोग बिजनेस ग्रेड्स नहीं हैं और आप जो हैं वो थिंकिंग पैटर्न आपका एक कोर अकाउंटेंट के से ड्राइव हो रहा है, अश्योरेंस ज़्यादा आप लोग काम कर रहे हैं या बिजनेस फील्ड में काम कर रहे हैं. So I'll consider that. अच्छा उसके बाद I'm also independent director board member of multiple institutes और बड़े बड़े institutes हैं, लेकिन उसमें एक नॉन फॉर प्रॉफिट है. एक पे तो अभी हमने राणा साहब को ऑन बोर्ड किया है दामन पे. वी जस्ट पहले फर्गूसन 5-7 साल करता रहा उसका, तो हमने ऑडिटर चेंज किया मैं, सो अभी वी गेट हिम ऑन बोर्ड एज आवर ऑल्टर. सो आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देयर. सो उसमें उसका फ़ायदा ये है कि जो कि आपके जो आपसे रेलिवेंट ये है कि वो जो गवर्नेंस का भी एक एक्सपेक्ट है इसमें और ऑडिट कमेटीज़ का जो कि बड़ा इसका पार्ट है, और वही वाली बातें कुछ चीज़ आपको टेबल को उस तरह बैठ के समझ आती हैं. इस तरह आप बैठ के बहुत सारी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं बोर्ड को, लेकिन जब आप बोर्ड में बैठे होते हैं और जब उस तरह से प्रेजेंटेशन आ रही होती हैं वहाँ पे पार्टनर आपको प्रेजेंट कर रहा है, तो अब आप सोच रहे होते हैं कि यार कि अच्छा दिस इज द डिफरेंस विच यू यूज टू हैव. सो उस एक्सपीरियंस को भी हम लेवरेज करेंगे जहाँ पे गवर्नेंस के टॉपिक्स आएंगे, उन चीज़ों को भी हम आगे लेके चल जाएंगे. जहाँ तक जो है इंट्रोडक्शन इज गुड एनफ. मैं देख लूँ आज नहीं, आई एम वर्किंग इन EY लाहौर और वैसे भी हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मॉडल है, तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं कि हम हो तो डिफरेंट जगह पे, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जो इस्लामाबाद में शायद मैं भी देख रहा हूँ उनकी टीम के साथ है. मेरी अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो मैंने अभी आपको बताई है, इसमें पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी प्रोजेक्ट आएगा मैं ही करूँगा और रेलिवेंट टीम उसका पार्ट होगी. और फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट सेक्टर में MNE का प्रोजेक्ट करता है तो वो लीड कर रहा होगा और वहाँ से, तो इस तरह करके अगर कोई पेशावर बेस्ड काम है. अच्छा GPS के अंदर भी जो मेरा फोकस है वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट रिफॉर्म है कि आपने कैसे इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है उसमें कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करने के रिफॉर्म्स आपके, तो ये वो फोकस एरिया है. अब जहाँ भी प्रोजेक्ट आएगा सिंध में आएगा उधर आएगा तो ये मैं कर रहा हूँ, इतना कर ही करते हैं. टैक्स नहीं पड़ा तो MSA को किस हद तक इफेक्ट करेगा ये, इसमें एक्सपेक्टेशन तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक स्कीम बनाई है तो इस एक्सपेक्टेशन बनाई कि तीनों को नॉलेज आएगा. हाँ अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो कवर हो जाएगा, लेकिन आपने अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा हुआ तो उसमें से टैक्स का सवाल तो आना ही आना है. और जो कि आपको वहाँ बैठ कर आप ढूंढ के अगर आपने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तो आप समझ लें कि 5-10 नंबर आपके आप राइट ऑफ कर दें, तो आपके लिए पास करना जो है वो एक स्टेप और ज़्यादा मुश्किल है बाकी क्राउड के नस्बत को. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5-10 नंबर
आर वेरी इंपॉर्टेंट, 5-10 नंबर आपके लिए। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, ऐसा ऐसा सवाल अभी आते हैं। जी जी कौन सी लाइट? ये एक ही लाइट चल रही है, ये भी बंद होगी तो फिर इसी की होगी, इसके बाद तो ये बंद कर देंगे, ये बंद हो जाएगी, वो बंद करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चलो करके देखो उसे। हाँ साथ साथ पढ़ लेते थोड़ी फाइन बेहतर है, नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं चला दे, नहीं इसका मसला ही कुछ और है। हाँ मेरे ख्याल से उसको चला रहे हैं ना, वो उसको कहते हैं वो जो होता है नहीं, एक वो व्हाइट बोर्ड सा जो उसका स्पेशल जो प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन है। चाहे तो उसने खानदानी बनाई, लेकिन चक्कर लगा देना एक मिनट। ये जरा थोड़ा ओवन इसको जरा गर्म करके ले आते सेकंड चक्कर लगेगा। अच्छा अजान भी हो जाएगी। अच्छा जी ये ऑनलाइन आप लोगों को आवाज आ रही? अच्छा जी आज की जो फर्स्ट क्लास है इसमें ओरिएंटेशन है एमएससी 2 की, कि जितना आप मोस्टली लोगों के पेपर ही पहले है और जिनका पेपर पहला नहीं है उनकी क्लास पहली है ऑलमोस्ट, सो इट्स रेलेवेंट फॉर एवरीवन कि टू गो थ्रू दिस कंप्लीट एजेंडा। सो टुडेज प्रेजेंटेशन में विल डिस्कस ओवरऑल इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस पेपर का समझना बड़ा जरूरी है, व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, इस पेपर के लर्निंग आउटकम्स हैं क्या जो एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप ये चीजें मैं असेस करना चाहता हूँ, तो आपने अपने आप को उन्हीं लाइंस पे अपने आप को प्रिपेयर करना। बिजनेस कॉन्टेक्स्ट कि प्राइमरीली ये जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे वो किस बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के होंगे, उसकी क्या शाखा उत्पाद होंगे उन सवाल आपके विच विल कम अक्रॉस इन दिस एमएससीक्यू। अरे ये जो प्रेजेंटेशन है ना, इट इज वेरी लाइव डॉक्यूमेंट, इसको आपने आज करके भूल नहीं जाना। वी विल स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन
और जब क्लास खत्म होगी जो आखिरी हमारा लेक्चर होगा आखिरी केस स्टडी करने के बाद दोबारा हम इस प्रेजेंटेशन को फिर दोबारा या एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं ना शुरू और आखिर दोनों में लगाते हैं प्लानिंग के टाइम पे भी और एक एंड के टाइम पे भी ठीक है लेकिन उसका रिव्यू फर्क होता है उसमें आप परेशान नहीं होना कि आपको जो आपको ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें ये PDF में आपसे इस क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। अच्छा जी नॉलेज फैलने से बढ़ता है मैं इसका ट्रू बिलीवर हूँ। अच्छा जी इसके बाद आपके स्कोप ऑफ स्टडीज क्या क्या कवर करनी जिसमें टेक्स्ट का सवाल भी था वो भी कवर करेंगे सिलेबस को ओवरव्यू पेपर का स्ट्रक्चर किस किस्म का है व्हाट आर द की फॉर पासिंग MSA 2 जिसको हम आज देखेंगे कल से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और टुवर्ड्स द आखिरी क्लास हम देखेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं और क्या उसमें मेहनत बाकी है एग्जाम टेक्निक्स की एरियाज और फाइनल प्रिपरेशन में हमें क्या चीज़ें इंश्योर करनी है तो फाइनल प्रिपरेशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या इंश्योर करना है ये सारा एक प्लान हम आज बनाएंगे और ये जो हमारा 2-3 महीने का जो सफ़र है जो हमें इकट्ठे साथ गुजारना है तो वी होप कि हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें से ड्राइव कर रहे हैं दैट इज़ द ओवरऑल आइडिया और जितने प्लान होंगे उतना ही क्योंकि और ये पेपर तो खैर मांगता ही प्लानिंग है वैसे भी ज़िंदगी के अंदर आप 10-15 मिनट प्लानिंग में अच्छे लगा दें समझ लें कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि उसमें भी थोड़े जो जितना अच्छा हल चलता है ना तो उतनी फसल ज़्यादा बेहतर होती है जब फसल में मेहनत करके थोड़ी हल पर मेहनत कर लीजिए। अच्छा जी चूँकि ये प्रेजेंटेशन उसने PDF कन्वर्ट करके इसे चलाई है तो इस तरह आ रही है लेकिन मेरे ख्याल से हम कोशिश करते हैं कि आपको स्क्रीन का व्यू भी सही रहे चीज़ें सर। सो ओवरऑल ये पेपर है हमारा ये 3.5 घंटे का पेपर पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50% है टोटल 3 क्वेश्चन हैं जिसने एमएसए 1 पास किया वो तो उससे ऑलरेडी मुतारिफ है इस पैटर्न से ओपन बुक है जैसे ओपन बुक है कौन सी किताबें लग जानी ना ख़त्म होने वाली बहस है जिसको हम आखिरी दिन डिस्कस करेंगे जब पेपर में जा रहे होंगे अभी के लिए तो जो किताबें सामने हैं उसको सामने लेके रखें। प्राइमरीली ये पेपर का जो फोकस है दैट इज ऑन बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका BMS जो CFA 3 होता है पहले पत्नी का नंबर है और CFA 4 जो आपका BFD का पेपर ये पेपर इंस्पायर है बेसिकली ICW के पेपर से जो कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो आपका पेपर है उसमें होता ये कि उसमें आपको 4-5 रिक्वायरमेंट्स दी होती है और एंड पर टोटल क्वेश्चन आपको रिक्वायरमेंट वाइज मार्क्स अवेलेबल नहीं होते बट यहाँ पर ये एक आसानी है कि अगर 5 रिक्वायरमेंट्स हैं किसी केस स्टडी की तो उसमें हर रिक्वायरमेंट के नंबर आपको हाँ एक रिक्वायरमेंट के अंदर सब रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं दिए होंगे वो आपकी अपनी जजमेंट है कि वो आपको कहता है जी बेनिफिट्स भी बताएं और रिकमेंडेशन भी दें तो बेनिफिट रिकमेंडेशन लेकिन आपको इंडिविजुअल पार्ट का आपको नंबर नहीं तो ब्रेकडाउन मार्क्स पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल है जी बिल्कुल हिडन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जी बिल्कुल हिडन भी होती वो भी हम आइडेंटिफाई करनी है और उसको मार्क्स असाइन करने हैं कैन वी राइट ऑन द एग्जाम पेपर यस वी कैन राइट बट अगर सारा उधर लिखे लिखेंगे तो फिर उधर लिखने का टाइम मतलब जस्ट कीवर्ड्स आपने अब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना ये भी हम पहली केस स्टडी में हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से कैन राइट ऑन एग्जाम पेपर किस तरह यूज करना है इसको और अगर आप कहें कि अरे पूरा पेपर ये पूरा जो MSA है ये पूरा बिखेड़ा बिखरा हुआ है और 6-7 पेजेस की केस स्टडी है इसको आप हमें 2 लफ्जों में बयान कर दें चलिए 2 लफ्जों में बयान कर दें किसी भी चीज़ को चलो अगर कोई कहे वैसे तो नहीं हो सकता बयान अगर किया जाए बयान पूरे MSA 2 को 2 लफ्जों में तो वो 2 लफ्ज हैं कि ये पेपर है प्रोफेशनल एनालिसिस एंड रीजन्ड कंक्लूजन अब इसके जो मफहूम है अब इसके जो मफहूम है वो बहुत ही गहरे हैं रीजन तक पहुंच जाते तो पेपर ही पास हो जाता हमारा इतना आसान नहीं हाँ समझ लें कि आपका प्रोफेशनल एनालिसिस एंड रीजन कंक्लूजन बेसिकली आप किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज में देर आर 3 इंटेलेक्चुअल लेवल्स इंटेलेक्चुअल लेवल 1 इंटेलेक्चुअल लेवल 2 एंड इंटेलेक्चुअल लेवल 3 इससे आप सब लोग मुतारिफ हैं या नहीं ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल लेवल से मुतारिफ है
अच्छा चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो चाहे यस या नो आप दोनों लिखने पड़ेंगे आंसर, तो मुझे आई कांट सी योर फेसेस। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल वन इज मोर लाइक जिस तरह आप नहीं कहते इज मोर लाइक क्रैमिंग रिप्रोडक्शन ऑफ द नॉलेज, जिसना कहते यार मुताला पाकिस्तान में पढ़ते थे कि तरह चीज पे नोट लिखे, जस्ट हैव टू क्रैम एंड रिप्रोड्यूस द नॉलेज। आपको बोलेगा कि यार के डायरेक्टर मीटिंग्स का नोटिस कितने दिनों का है, इसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल लेवल टू। इंटेलेक्चुअल लेवल टू इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, क्या करवाएगा आपको नॉलेज को अप्लाई करवाएगा कि आपको फॉर एग्जाम्पल कह देगा कि आपकी मीटिंग जो है वो 7 फरवरी को होनी है और 4 फरवरी को नोटिस निकल रहा है, तो आप बताएं कोई मसला है कि नहीं। यू हैव टू अप्लाई, क्या अगर 7 को निकल रहा है तो 7 दिन बिफोर 31 तो यानी, और चूंकि लॉ ये कहता है और सिनेरियो ये है, तो कंक्लूजन मेरा ये है कि ये नोटिस इनवैलिड। ये हो गया इंटेलेक्चुअल लेवल टू जो आप अभी तक पेपर पढ़ते चले हैं सी सैप तक भी। नॉलेज को अप्लाई किया, यू नो सम बिगिनर प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन दे दिया आपने, नॉलेज को अप्लाई करके ड्रॉ करके आपने। उसके बाद होता है इंटेलेक्चुअल लेवल थ्री। इंटेलेक्चुअल लेवल थ्री दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, और जो हमारे जो एमएसए के पेपर है दोनों, दिस इज इंटेलेक्चुअल लेवल थ्री, जिसमें देयर इज नो यस और नो, देयर इज ऑलवेज जस्टिफिकेशन। If you prove your point with the right logic, you are fine. If you prove it otherwise, with your right logic, you are also wrong. Right? There is no right and wrong. There is a proper justification. समझा रहे कि नहीं? Knowledge apply करना तो है ही है, plus आपने फिर इसको justify भी करना है. और क्या मतलब? You don't need to give conclusion. There should be a reason to conclusion. There should be a reasoning behind that conclusion. आपको कहा जा रहा है कि यार आपने बाहर के मुल्क में एक वेंचर है, आप उधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप अपने मुल्क में ही किसी दूसरे शहर में अपने ऑपरेशन को एक्सटेंड करें। फाइनेंशियली आप एनपीवी निकाल रहे हैं तो बाहर वाले मुल्क की ज्यादा आ रही है, बट इट इज अ पेपर ऑफ सिंथेटिक पेपर, इट्स रियल टाइम पेपर, वो चाहता है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं। इट्स नॉट सीफेफ सीफेफ, एक्चुअली आपने सिर्फ फाइनेंशियल पे नहीं जाना ना, इस तरह बहुत सारे लोगों को बच्चे बड़ी सी तनख्वाह मिलती है, सारे लोग बाहर चले जाते हैं आज सारा कैपिटल, कोई और मसले मसाइल भी हैं जिंदगी में, और भी कस्में वादे हैं और भी जिंदगी के कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से शायद वो बाहर नहीं जा सकता, ऐसा है कि नहीं? वो क्या है, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। फाइनेंशियली आप देखिए सीफा 4 लगाएंगे तो आप बोलेंगे यार उधर 10 लाख रुपये तनख्वाह, यहाँ पे 1 लाख रुपये खाया तो बाहर चला जाए, डिसीजन तो आप ये लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा तो नहीं हो रहा ना, हर बंदा चला जाता बाहर, तू यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स वी नीड टू बी accounted for, जो कि इस पेपर में आपको count for करने पड़ेंगे। You have to consider the political risk, you have to consider the operational risk, dynamic risk, जो business BM के models हैं वो और financial model plus taxation के matters और ethical governance के matters सबको सामने रखते हुए you have to give the conclusion। अब इसमें ये नहीं है कि बाहर भेजना इसको सही है, आपने analysis give considering के scenario के किस्म का, जो scenario open है और आपने रेलेवेंट फैक्ट को ड्रॉ करके अपना एक एनालिसिस करके कहा कि बाहर जाना बेहतर है, और आप कह रहे हैं कि भी पाकिस्तान में रहना बेहतर है, बोथ कुड बी राइट, बट डिपेंड कि आपने रीजनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग की। एनपीवी एक ही निकलेगी, बेटर वही है, आप भी कह रहे हैं कि एनपीवी बाहर बेहतर है, आप भी कह रहे हैं एनपीवी बाहर बेहतर है, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें रिस्क है, आप कह रहे हैं आप भी कह रहे हैं रिस्क है, यानी डिफेक्ट दोनों के लाइन है, बट आपने लॉजिक पिक, क्योंकि ये कंपनी अभी नई नई स्टैब्लिश हुई है और अभी इसके बहुत ज्यादा एक्विजिशन का इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसको पाकिस्तान में रहना चाहिए। वो कह रहा है कि देखो फाइनेंशियल नंबर बहुत ज्यादा है, रिस्क भी है, बट कंसीडरिंग एक सिनेरियो में लिखा हुआ है कि ग्लोबल कंपटीशन काफी आ रहा है और अगर हमने एग्रेसिव मूव डाल दिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, इस रीजन से मेरा कंक्लूजन ये है कि हमें बाहर चले जाना चाहिए।
आपका आंसर भी ठीक। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इट्स नॉट अबाउट कि आप नॉलेज को अप्लाई करके हाँ या ना करना, बट लेकिन आपकी रीजन कंक्लूजन बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एनालिसिस, वो जो क्वेश्चन के फैक्ट से ड्राइव हो रही है। बात समझ आई? लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी तरफ इंक्लाइंड है क्वेश्चन, तो फिर आपको वही यू आर फोर्स कि आप भी अपना फिर उसी जॉनर के अंदर आप आंसर करें। सारे फैक्टर्स जो है आपको सूट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान में जाएं, तो फिर आप और जाके फाइनेंशियल एनपी भी यहाँ ज्यादा नहीं कर रही है, रिस्क भी कम है, तो फिर आपको इधर करना चाहिए। बट दैट डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट्री, तो इट्स अबाउट प्रोफेशनल एनालिसिस एंड रीजन कंक्लूजन, दैट इज इंटेलेक्चुअल लेवल 3 व्हिच यू हैव टू कैटर। ज्यादा बात समझ आ गई कि नहीं? ऑनलाइन आप भी यस और नो साथ साथ करते आएंगे ताकि तभी आप क्लास का पार्ट बने रहेंगे। एग्जामिनर भी सुन लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं जी आपने जो पेपर इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या मुहरकात थे जिससे आपने ब्राइट आइडिया कि हमें एमएससी 2 का पेपर इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो आए मार्केट में वो उनमें ऐसी कॉम्पिटेंस डेवलप हो, कैसी कॉम्पिटेंस डेवलप हो कि वो वेल रिकग्नाइज्ड हो मैनेजमेंट टेक्निक के साथ, और साथ साथ इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस एथिक्स के प्रिंसिपल को भी हाथ से ना जाने दे रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? सो ये एक पूरा एक पैकेज जा रहा है वो कि जब ऐसे मार्केट में आए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इन चीज़ों को साथ लेके हुआ। So, अगर मैं कंक्लूड करूं लेवल 2 लेवल 3 का डिफरेंस है, ये लेवल 2 से लेवल 3 तक का जो सफर है ना, लेवल 2 से लेवल 3 तक का जो सफर है वो इंटेलेक्चुअल फोकस नहीं है या इंटेलेक्चुअली ड्राइव्ड नहीं है, क्योंकि नॉलेज वही है जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो कुछ नॉलेज ऐसा होगा जो कि इसमें ज्यादा है, लेकिन वो प्रैक्टिकली देर इज अ गैप। जो हमारी जो नया कोर्स अब आया है सी फेयर में, तो गैप कवर कर लिया हम लोगों ने, लेकिन आप लोग चूंकि पिछला सी फेयर पढ़ के हैं तो कुछ नॉलेज गैप रहता है जो हमें कवर करना है। आइडियली जिस तरह जो कॉन्सेप्ट है इन पेपर्स का उसमें नॉलेज गैप कोई नहीं है। जो फासला है सी फेयर से बी एफ डी में जाना है, इंटेलेक्चुअल ड्रिवन नहीं है, ये स्किल्स ड्रिवन। बेसिकली लेवल 2 और लेवल 3 में फर्क क्या है, वो कुछ स्किल्स हैं, और एग्जामिनर ने आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करना, नॉलेज थोड़ी टेस्ट कर, एग्जामिनर ने आपकी स्किल्स टेस्ट करने। देखिए स्किल्स कैसे टेस्ट होंगे, आप हर एक उसे डांस तो करा के देखे नहीं, कोई स्किल्स को होता है नहीं, आप बोलेंगे यार कि आपको सबको बुला लेगा। स्किल्स है ही ऐसे कि आपकी रीडिंग का स्किल कितना अच्छा है, आपका एनालिसिस का स्किल कितना अच्छा है, आपकी टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, तो उसके लिए उसको कोई पेपर तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ सवाल देना पड़ेगा, तो उसको यहीं से ड्रॉ करेगा, बेस नहीं बनाएगा। देखिए पीछे जो उसका व्यू है वो क्या चाह रहा है, वो आप चाह रहे हैं कि ऐसा कंपिटेंट प्रोफेशनल हो जो कि वेल रिकग्नाइज्ड हो प्रिंसिपल से, और साथ साथ इन चीजों को हाथ से ना जाने दे रहा हो। सो बेसिकली वो आपके स्किल्स टेस्ट करने, वो स्किल्स आपके अंदर होंगे तो पेपर में इफेक्ट होंगे, नहीं होंगे तो समझे। जैसे अभी तक स्किल, अभी तक आपके स्किल टेस्ट होते हैं, ऐसी बात नहीं होते, टाइम मैनेजमेंट का स्किल आपका टेस्ट होता है, अभी तक सारे पेपर वो आपके नर्व्स का कंट्रोल ज्यादा चाहिए होता है आपको, वही पेपर आप 3 घंटे बाहर बैठे तो साथ भी कर ले उस टाइम पे, ये स्किल ही है ना आपको कि आपने अपने आप पे कैसे जज्बात पे कैसे काबू रखना। समझा रही नहीं? तो टाइम मैनेजमेंट स्किल टेस्ट होता है अभी तक आपका, बट अभी जो एक्टिविटी हो रही है, वीक एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी आपके स्किल्स को फोकस करेगी, स्किल्स को आगे लेके बढ़ेगी। अच्छा लर्निंग आउटकम है क्या, वो चाहता क्या है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। जो आपके पहला जो आपका लर्निंग आउटकम है, इट इज अ मोर फोकस्ड वर्क बीएम ड्रिवन, वो चाहता है कि आपके अंदर एनालाइज इवेल्युएट और रिकमेंड करने की सलाहियत डेवलप हो। एनालाइज क्या होता है, चीजों को ब्रेक डाउन करना, एक चीज को ओपन करना और फिर उसकी डिटेल तक अंदर तक जाना, दैट इज वर्क एनालाइज। एक चीज को फॉर एग्जाम्पल ऐसी जैसा आप कोई मशीन खोल लेना उसे पुर्जे पुर्जे अलग कर लेना, दैट इज एनालाइज। इवेल्युएट क्या है कि आप जो खोल लें उसको फिर आप उसको किसी चीज़ के अगेंस्ट इवेल्युएट करें,
यानी कि आप ऐसे ही है कि आप कहते हैं मुझे आप रिकमेंड करें कि मैं आगे कौन सा कोर्स करूंगा सीए के बाद, तो मैं पहले खोलूंगा आप क्या करते हो, आपका एप्टीट्यूड क्या है, डायनामिक्स क्या है, अभी तक क्या किया, क्या लाइक ऐसे कि नहीं, तो इसको इवेल्युएट करूंगा सब स्टैंडर्ड एंड देन आई विल रिकमेंड विजन मिशन एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस ये सारे वो कोर्सेज आपको बीएम देगा। ऐसे ही आप नीचे आएंगे तो इन्हें एनालाइज इवेल्युएट रिकमेंड ये दो चीजें अभी कौन सी हैं, बीएफडी और आपका मैक जो पोर्शन है जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बीएफडी का ही पार्ट। देन ही ऑल्सो वॉन्ट कि आप इवेल्युएट कर सकें टैक्स की इम्प्लीकेशन, यहाँ पे रिकमेंड बात नहीं कर रहा, क्या नहीं कह रहा, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट टेस्ट होना है वो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल 3 पे टेस्ट होगा, लॉ का पेपर जो है वो लॉ है, उसमें आपने रिकमेंडेशंस जो है यू हैव टू एक्सेप्ट एंड यू हैव टू अप्लाई दैट्स इट, तो उसकी टेस्टिंग आपकी लेवल 2 से आगे नहीं जाएगी, आपकी लॉ की सैनिटी चैलेंज नहीं करवा रहा आपको, कि आपको लॉ टेक्स्ट को बहुत बड़े कानून यानी जो लेवल पे आप टेस्ट होके आ चुके हैं उससे ऊपर नहीं पूछ रहा। हाँ कोर्स का पार्ट है वो सिनेरियो से जरूर पूछेगा लेकिन लेवल 2 की ही टेस्टिंग हो जाती है और नॉलेज अप्लाई करवा रहा हो यहाँ तक जा रहा होगा, वर्ड भी इवेल्युएट तक वो खुद भी उसने आपको महदूद किया कि मेरा आउटकम ही इवेल्युएट है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन और एनालिसिस में नहीं घुसना चाह रहा। एंड लाइक वाइज जो एथिकल गवर्नेंस लीगल जो इश्यूज हैं यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोड्यूस इट, समझा रही कि नहीं आ रही, तो आपको उन्हीं ही जो डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं आपको उसी को रिकग्नाइज करके आपको प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे आपने कोई खुद से फनकारियाँ आप ये नहीं कर सकते यार कि टैक्स इम्प्लीकेशन अगर ये है तो ये भाई जो है वो भी आपको लिखनी है, समझे तो अगर आप एक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने सेल टैक्स मैंने ऑनलाइन स्टोर खोलना है पूरे सेल टैक्स की इम्प्लीकेशन बता जो है वो भी आपने लिखनी, तो उसमें आपने देयर इज वेरी क्लियर। तो ये जो दो एरियाज हैं इसमें आपने इंटेलेक्चुअल लेवल 3 का टेस्ट होगा और जो बाकी दो एरियाज आपके वो लेवल 2 तक आप टेस्ट हो रहे हो। जो एथिक्स है इट इज ऑलवेज रिमेन वेरी समथिंग क्लोज टू हार्ट ऑफ एग्जामिनर, और हार्ट ऑफ एग्जामिनर क्या है उसका अपना दिल जो है उसके अंदर तो ICDW का दिल धड़कता है, बेसिकली अपना दिल तो धड़कता ही नहीं, जहां पर वो चलेगा तो इसका दिल भी वही करने लग जाएगा। तो इंस्पिरेशन जो है वो क्या है ICDW में है क्या, अब दो किस्म के एथिक्स हैं, एक है आपका वो कोड ऑफ एथिक्स जो आप पढ़ के आए हैं जो कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पे अप्लाई होता है, वो पॉप्सी इंटीग्रिटी कॉन्फिडेंशियलिटी बिहेवियर कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी है, और कुछ आपके एथिक्स होते हैं जो बिजनेस एथिक्स के क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स, ये बिजनेस एथिक्स क्वेश्चन ऑलवेज आर ट्रिकी बिकॉज दे आर वेरी जेनेरिक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं बेंच मार्किंग के क्या फायदे हैं, बेंच मार्किंग करने फिर बेंच मार्किंग करते हुए जब आप बेंच मार्क कर रहे हैं अपने आप को किसी बेंच मार्क डेटा तो आपको किन एथिकल कंसिडरेशन को अकाउंट फॉर करना, तो डाटा जो है वैलिड हो आपने सही सोर्सेज से लिया हो, ऐसे ही डाटा की जब बात हो रही थी तो एथिकल कंसिडरेशन की बात हो रही थी तो डाटा प्राइवेसी की जो सारी चैलेंज हैं सर, तो ये वो बिजनेस एथिक्स की क्वेश्चन। तो ये देखा गया है कि जब कोई एथिकल कंसिडरेशन ऐसी आई है जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट पर अप्लाई हो रही है इसमें इंटेग्रिटी ऑब्जेक्ट, यहाँ तक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है क्योंकि ये उसी स्कूल ऑफ थॉट की जो जिस टाइम गुजर के आया, जब बिजनेस एथिक्स टेस्ट होता है और कुछ आपको खुद से कुछ लिखना पड़ जाता है तो वहाँ पे ये अमूमन तौर पे देखा गया है कि नंबर्स जो हैं उस क्योंकि आपको अगर आप जाके देखें तो आपको एवरेज भी मिल जाती है पास एग्जाम्स की क्वेश्चन वाइज भी, क्वेश्चन वाइज ओवरऑल स्कोर क्या था, एक तो ना ओवरऑल 32% लोगों ने पास किया लेकिन उस क्वेश्चन में कितने परसेंट लोगों ने पास किया, तो आपको 6% 7% 8% ऐसे आपको 2-3% के रिजल्ट भी आपको नजर आएंगे, यानी कि पास कर लिया होगा लेकिन उस क्वेश्चन में उसने भी पास नहीं करा जो कि शायद जिसके बहुत अच्छे नंबर आए जिसने पेपर पास कर लिया। सो ये भी एक एरिया है जिसको हमें कवर करना होगा, नॉलेज ऑफ टेक्स्ट टू व्हाट एक्सटेंट विद अनडिफाइंड एक्सटेंट, यानी कि इनकम टैक्स तो फिर से डिफाइन किया और सेल टैक्स तो अनडिफाइंड, और जब सेल टैक्स से सवाल आता है ये ऐसे ही है जैसे कोई बंदे ने बाटा मारा और स्टॉक की प्राइस ऊपर चली जाए, समझे तो ऐसे होता है कि आपने अगर तो आपने सेल टैक्स से सवाल आ गया तो इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू कैप्चर बिकॉज सेल टैक्स का स्कोप जो है वो कोर्स डिफाइन नहीं कहीं से पूछ सकता है, और जब उसने पूछा है एक अटैम्प्ट में पूछा है
और एक छोटा सा डेढ़ अटेम्प्ट करने हैं, डेढ़ दफा उसने पूछा, एक दफा तकल्लुफ ही किया, एक अटेम्प्ट उसने पूछा, हमेशा इनकम टैक्स ही पूछता है, लास्ट दफा भी इनकम टैक्स पूछा, एक दो टाइम पहले उसको जोश लड़ा और सेल टैक्स से वो आया और किसी को समझ लगी कि वो कहाँ से आया, आपने तो दियो वाले पेपर ऐसे कि नहीं, इवन जो टैक्स के एक्सपर्ट भी थे वो भी एक दफा परेशान थे यार इसको हमने कहाँ से सवाल को निकालना। सो इनकम टैक्स का कोर्स डिफाइन है, हम करते ही हैं, हमसे मुराद पैक के जो ग्रुप ऑफ जो पीपल है, कि हम बिलाल अजहर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा टैक्स के वो चीज़ें जो इनकम टैक्स सेल टैक्स वैसे ओपन है उसका तो ऐसी बात, जो इनकम टैक्स के रेलेवेंट जो की पॉइंट्स हैं, खासकर वो जिसमें चेंजेस आ चुके हैं जब आपने पढ़ा था या पास किया था, तो वो कंटेंट चूँकि ही इज़ द एक्सपर्ट, आई एम नॉट टैक्स एक्सपर्ट, क्योंकि हाँ ट्रांजेक्शन डील स्ट्रक्चर होती है फॉर्म में, तो मैं वो टैक्स का एक्सपर्ट देख रहा होता हूँ, बट स्टिल ही इज़ द एक्सपर्ट। फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो क्या कहते हैं कि टॉपिक्स हैं ये जो एमएससी 2 से जो रेलेवेंट हैं और उसके जो अपडेट्स हैं, वो तकरीबन 3-3 घंटे के दो लेक्चर्स होते हैं जिसमें वो काफ़ी चीज़ें कवर कर लेते हैं, तो वो फिर हम रिकॉर्ड करवा के हम आपके LMS पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। तो वो आपका जिसने अगर बहुत पहले पास किया हुआ है तो इस हद तक हम हेल्प कर सकते हैं आपको कि आप जो उसकी अपडेशन है, जो नई चीज़ें हैं जैसे इनकम टैक्स का पोर्शन है वो आपको अपडेट हो जाए, बट कवर तो आप नहीं, ये नहीं सकता कि वो दो लेक्चर पढ़ के आप टैक्स के चैंपियन बन जाएंगे, टैक्स तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, अच्छा जी, किस किस्म के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं जब सवाल आते हैं कॉन्टैक्ट से, मतलब किस किस्म का क्या कोई बात होते हैं, उसको जो बहुत पसंद है ये MSW वाले को तो ये वाला आखिरी वाला तो बहुत पसंद है, डेवलपिंग ग्लोबल फाइनेंशियल एंड बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन, बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे कि उसने बाहर मुल्क जाना है तो क्या मॉडल ऑप्ट करे, किस तरह जाए, जाए या ना जाए, लोकल काम कर ले, या बाहर 2-3 मुल्कों के ऑप्शन है, इस मुल्क में जाए उस मुल्क में जाए, इस किस्म के सिनेरियोस कि आपने अपने फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्ट्रेटजी ऑपरेशन को बाहर के मुल्क में लेके जाना है। फिर उसके बाद जो बहुत उसको एरिया पसंद है वो ये वाला पसंद है एरिया, पहले वाला डेवलपिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, ये आपका सारा डेटा, डेटा एनालिटिक्स से बेसिकली अल्टीमेटली क्या ड्रॉ करना, आपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा तो आपको इंफॉर्मेशन ड्रॉ होगी जो आपके आप बिजनेस डिसीजन लेके चलेंगे, तो ये पूरा जो कंपोनेंट आपका डेटा एनालिटिक्स वो इसी कंपोनेंट के अंदर है। तो क्योंकि डेटा एंड डेटा एनालिटिक्स से बहुत प्यार है हमारे MSW के एग्जामिनर को, बहुत ज़्यादा शदीद हद तक, अचानक ही उसकी मोहब्बत बहुत बढ़ गई, और तकरीबन आप उठा के देखें तो हर अटैम्प्ट में पूछ ही रहा है, कभी 5 नंबर का पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है, 10 का पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है। नहीं उसी फैस में भी होना चाहिए था ना, मेरा ये सवाल है अगर इतना ही रेलिवेंट है तो एश्योरेंस में भी डाल देते, मतलब जहाँ पे ऑडिट करना कैसे डेटा एनालिटिक्स तो वहाँ तो कुछ नहीं है, अचानक उसको MSW में जोश चला, लेकिन अभी जो कोर्स की स्कीम रिवाइज हो रही है उसमें काफ़ी उनको कहा जा रहा है कि आप इन टेक्निक्स को भी लेके आए, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ अप्रिशिएटेड, बट इट शुड बी फ्रॉम द स्टार्ट, ये तो नहीं अब एंड पे आके आपने किया वहाँ पे। सो उसने कोशिश की उसने कि अब उसको पिछले कोर्सेज में CFAP 3 में भी उसका एक सेक्शन डाला गया है, पीछे भी डाला गया है, ऑडिट में भी डाला गया कि क्या ऑडिट की टेक्निक्स हैं, क्या आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि हमारा कॉलीग वो लम्स में वो ऑडिट का एलिवेशन का कोर्स है ऑप्शन, तो उन्होंने ऑप्ट किया ग्रुप ने, तो उस टाइम कोर्स हो रहा था ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स थे। अच्छा हमारा मैं तो उस जमाने में पहले ऑडिट पढ़ाता रहा बहुत अर्सा, जो ऑडिट का पेपर है मैंने बहुत पढ़ाया। अच्छा अब खैर नहीं पढ़ाता, अब तो टाइम नहीं है, लेकिन इस पेपर को उस टाइम में मैं पढ़ाता था, मैं 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी इदराक था, मैंने P7 भी पढ़ा था ECCA का, ऑडिट का पेपर भी पढ़ा रहा था ECCA का भी, तो इवन P7 तो बहुत आगे की बात है, जो हमारा कैफ का कैफ 9 स्टैंडर्ड होगा उसका कोर्स भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, मैंने उसके कोर्स से कम्प्लीट किया, बट उसको मुझे कॉल आई मेरे फ्रेंड की यार कि इनका एक पेपर इनके होने वाले हैं, तो इसमें इनका एक प्रोजेक्ट भी होता है, तो प्रोजेक्ट में ही वो उसमें टॉपिक मिला हुआ है फ्रॉम अवर एकेडमी जिस पर रिसर्च कर रहा है, उसके लिए इसमें डिफरेंट लोगों को मिलना है,
तो तुम्हें ऑडिट का आइडिया दिया, टेक्नोलॉजी का आइडिया दिया, तो यू आर द राइट पर्सन टू गिव हिम सम टाइम, यानी कि उसका पूरा वो अच्छा, वैसे मैंने क्या उसको मिलना था, लेकिन बट वो जिस के रेफरेंस से कॉल की वॉज माई कॉलीग, इवन ही वॉज माई सीनियर, सो उसको मिला। अच्छा अब वो उसका टॉपिक क्या है, उसका टॉपिक ये है कि जिस तरह ये अभी एनालिटिक्स की जब फैसिलिटीज पाकिस्तान फर्म्स में इजी टू एक्सेस हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ टूल्स एंड टर्म्स ऑफ स्किल्स, सो हमारा ऑडिट का रिजीम जो है, ऑडिट की प्रैक्टिस पे क्या इसका इफेक्ट आएगा फ्यूचर में, तो जब ये सारी इम्पेडिमेंट्स इम्प्लीकेशंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स रिमूव रहती हैं, तो हमारा ये ऑडिट प्रैक्टिस कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। अब वो उस ये दैट वॉज हिज केस स्टडी, जिसने पूरा रिसर्च पेपर लिखना, आई वॉज वन ऑफ द पीपल, और बहुत सारे लोगों से मिलना था। अब वो अप्लाई करवा रहे हैं, समझा ही नहीं। अब कल को कोई इंटरव्यू होता है, अगर वो बैठा हो कहीं पे, या फॉर एग्जाम्पल मैंने हमारी फर्म में तो बहुत ऐसा होता है, कंसल्टिंग से हमने ट्रांजिशन की, तो खैर अब तो हमने 3-4 साल से वी डोंट टेक ट्रेनीज इन कंसल्टिंग, हाँ क्वालिफाई करके मैनेजमेंट एक्सपीरियंस तो आ जाए एज अ कंसल्टेंट, बट हम हमारा वो ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम ही नहीं है, ई वाई में कंसल्टिंग अश्योरेंस टैक्स में है, कंसल्टिंग में, तो वी गेट बिजनेस ग्रेड्स ऑन बोर्ड। अब वो मेरी बात है, जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है, मैं खुद ऑडिट पढ़ाया हुआ, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन में उसके नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। कोर्स हमारा बहुत रोबस्ट है, टॉप नॉच है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करके उसको अप्लाई करवाने का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट। डेटा एनालिटिक्स में एमएसक्यू में प्रॉब्लम आता है यहाँ पे कि हमारी बेस नहीं है, ये नॉलेज का गैप है, लेकिन हम उसको कवर करेंगे क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नॉलेज का गैप वी एक्नॉलेज का गैप है, कोई मसला नहीं है हमारा। एक जिस दिन जब हमारी रेलिवेंट केस स्टडी आएगी, जिस दिन जिसमें डेटा एनालिटिक्स टेस्ट हो रहा होगा, तो उससे पहले 1-1.5 घंटे में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझ लेंगे कि यानी कि जो हमारे गैप्स हैं वो पूरे हो जाएं, और फिर हम प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी तो हमारा ये नॉलेज गैप भी कवर होता रहे। उसके बाद आपका चूंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, तो अक्सर आपको क्योंकि 8-10 नंबर यहाँ से पूछना तो अक्सर सवाल आ जाता है, कोई एक एनेक्जर आ जाएगा इसमें से, इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्लीकेशन पूछ लो, पास पेपर में उसमें 3-4 अटेम्प्ट में वो पूछ रहा है, ये वाला ये टेस्ट कर रहा है या ये टेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्चुअली, और हालांकि 10 नंबर मैक्सिमम ग्रेड है, लेकिन 12-12 नंबर तक भी वो जा रहा है। 10 से 12 हज़ार वेरी हाई नंबर, 10 से 12 हज़ार निकल गए टेक्स में से आप मार खा गए, तो अगर आप 80 नंबर में से 50 नंबर लेना है पढ़ के वो पॉसिबल नहीं कीजिए। बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट इट इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक, लेकिन समहाउ ये देखा गया है कि BFD में से उसका जो फोकस ज्यादा है वो वैल्यूएशन के टॉपिक पे और NPV के टॉपिक पे ज्यादा रहा है, टाइम बचता तो वर्किंग कैपिटल पे आ जाता है। वो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि हर दफा मैं प्रेडिक्ट तो करता हूँ कि इस दफा फॉरेक्स टेस्ट करेगा, इस दफा करेगा, लेकिन वो 4 नंबर 3 नंबर 6 नंबर से आगे जा नहीं रहा, बट उसकी ख्वाहिश है सरप्राइज देने की, और आपको पता कि जिस एरिया से ना पूछ रहा हूँ कभी वो एक दफा वो सेल टैक्स से नहीं पूछा था उसने, फिर जब पूछा तो उसने फिर अंदर बार हो गए। तो ऐसे ही ये फॉरेक्स का एक ऐसा एरिया है जो कि बड़ा ही पर्टिनेंट है, और ये ICW भी बड़ा पर्टिनेंट है, बट आई एम नॉट श्योर कि ICW ने अभी तक इसको लिफ्ट नहीं करवाई उस तरह से, ये भी वो कोई स्किल नहीं आइडेंटिफाई कर सकता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो रीजन कंक्लूजन नहीं है, सीधी सीधी एप्लीकेशन है, मे बी देट कुड बी द रीजन, बट समहाउ इट इज अ वेरी रिलेवेंट टॉपिक। फिर बिजनेस स्टार्टअप प्लानिंग, जिस तरह पता आजकल वैसे ही स्टार्टअप्स का तो वैसे एक जमाना आ रहा है, और ग्लोबल ट्रेंड भी है, जो मेगा ट्रेंड्स हैं डिसरप्शन के अगर आप देखें उसमें एंटरप्रेन्योर सिस्टम इज वन ऑफ द दैट, और अगर आप पाकिस्तान की मार्केट देखें तो उसमें ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्स आया इस स्टार्टअप्स का। सो अक्सर कभी कभी एक सवाल इसका भी आया, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर तो एरिया जो मैंने टेस्ट करनी है, बट इट कुड बी वन ऑफ द एरिया जहाँ पे इससे पूछा जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट में सवाल आ सकता है। फिर बिजनेस सिक्योरिटी की वैल्यूएशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा BFD में जो फोकस है उसका, बिजनेस को वैल्यू करवाएगा, मैं एक्वायर करने जा रहा हूँ क्या रेंज ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक। और इसमें जो बिजनेस वैल्यूएशन में एक बहुत बिजनेस वैल्यूएशन में भी, और जो आपका रेजिंग स्ट्रक्चरिंग जो फाइनेंस है जो नीचे आ रहा हूँ मैं, रेजिंग स्ट्रक्चरिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनेंस, ये भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट, ये इसको भी का MSCQ को बहुत पसंद है, और ये BFD का ये टॉपिक बहुत ज्यादा टेस्ट है।
इन दोनों में, वैल्यूएशन में और रिस्ट्रक्चरिंग में, देयर आर थ्री मार्केट जहां से आप पैसा रेज कर सकते हैं। अभी इक्विटी मार्केट है, आप इक्विटी भी पैसा रेज करते हैं, अपनी पूरी डोमेन मार्केट भी डोमेन है, एक आपके बैंक है, इनसे आप बड़े अच्छे तरीके से आप लोग मुतारिफ। एक तीसरा भी एक मार्केट है जहां से आप पैसे रेज कर सकते हैं, जिसको अब इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है आपके सीएफएफ के कोर्स के अंदर, बट जब आप में बड़ा तब उसका पार्ट नहीं था। दैट इज ऑल्सो नॉलेज गैप जो उसको कवर करना है, एंड दैट इज प्राइवेट इक्विटी फंड्स, कि आपको जो प्राइवेट इक्विटी है आपकी, दिस इज ऑल्सो वेरी ह्यूज वेंचर टू रेज द फाइनेंस, जिसको हमें कवर ही नहीं किया जाता समहाउ। ठीक है, हमने सीएफएफ नहीं करना, बट बड़ी ज्यादती रही कि हमने इस एरिया ऑफ फाइनेंस से बिल्कुल ही मुतारिफ नहीं हुआ सीएफएफ तक, विच इज थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा सीएफएफ पर जो बिजनेस सिक्योरिटी वैल्यूएशन, स्टॉक मार्केट और ये जो पी, ये चीज़ ऐसी है जो उसके फोर का पार्ट होना चाहिए, जो हमने रिकमेंडेशन भी दी थी। और फिर सीएफएफ फोर में तो नहीं, फिर सीएफएफ थ्री में उन्होंने फिर इसको अकाउंट फॉर किया, ये बिजनेस, ये जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के कॉन्सेप्ट को, जो सीएफएफ थ्री का जो कोर्स है जो बीएम का, उसमें कहीं उन्होंने अब इसको एडजस्ट किया। बहरहाल हमारे लिए नॉलेज गैप है, इसको हमें कवर करना है। ठीक, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जस्ट टू गिव यू द एग्जांपल, राइट बात है आपकी, वो इल्मी तशनगी एक फड़क गई होगी अचानक के यार के भैया ऐसी कौन सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो हमें नहीं मिला, तो इसका इस तशनगी को मैं फिलहाल ख़त्म तो नहीं कर सकता, दबाने के लिए एक सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है, और वो सवाल ये कि आपसे मेरा सवाल ये है, आप भी और ऑनलाइन भी जो हैं, कि बैंक्स जो हैं, बैंक्स इक्विटी जो है कि मैंने अपना पैसा रेज कर लिया, तो बात वो तो बड़ा क्लियर है, इक्विटी मैंने अपना पैसा डाल, राइट इशू कर, शेयर लिस्टेड की हूँ, अपना कैपिटल पैसे रेज होते, उन्होंने नहीं कहा तो आप आगे, और दूसरा लोन है हमने पढ़ा हुआ थी। अब मेरा सवाल ये कि बैंक्स जो हैं क्या आपके बिजनेस को फाइनेंस करते हैं? द क्वेश्चन इज डू बैंक्स फाइनेंस योर बिजनेस, यस और नो, बताएं क्या बैंक्स आपके बिजनेस को फाइनेंस करते हैं? स्टेटमेंट है, इससे आप या यस कर दें या नो कर दें, आप बताएं करते हैं। हाँ जी, ऐसा साहब कह रहे हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो आपके बिजनेस को फाइनेंस नहीं करते, वो आपके एसेट को फाइनेंस करते, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। बैंक कभी बिजनेस को फाइनेंस नहीं करते, बैंक एसेट को फाइनेंस करते प्रोवाइडेड, ये एक कंडीशन है, वो आपके एसेट्स को फाइनेंस करेगा, वो आपको उतना ही लोन देगा जितना आपके पास कोलेटरल है। पहली बात तो ये बिजनेस आइडिया आपको क्या छक्का मार रहा है अपने चक्कर में, पैसा आपको मिलने जो है कोलेटरल, एसेट को फाइनेंस दूसरी शर्त है। हाँ, आपके बिजनेस मॉडल में इतनी जान लो कि उसका कैश फ्लो इंटरेस्ट की अमाउंट देने के लिए आपके कैश फ्लो में जान लो, आपको कैश फ्लो का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना, इतना बिजनेस मॉडल में आपके इंटरेस्ट है क्या कि आपका कैश फ्लो उसके आपका इंटरेस्ट निकाला कि नहीं निकाला, दैट्स इट। पहली कंडीशन क्या, आपके पास एसेट जो आपने लोन लेना है वो उतना मिले जितना कोलेटरल, बल्कि उसकी भी रेशियो होती है, ये और बात है, यहाँ बैंक के साथ मिलकर कंपनियां जो है वो उसकी वैल्यू ज्यादा करवा देती है, बाहर हाई स्कूल की तरह लोग फिर रहे होते हैं अपना। हालांकि टेक्निकली अगर बात सही की जाए तो आपका एसेट में भी अगर 100 का एसेट है आपको 80 का आपको लोन, हर एक बैंक की अपनी अपनी एपेटाइट है वहां तक, वो एसेट्स को फाइनेंस करते हैं। और दूसरी चीज क्या, यस आपके पास प्रॉफिट उसका इंटरेस्ट देने के लिए आपके कैश फ्लो में जान होना जरूरी है, और जो कहते हैं आप जाके वो रिव्यू करवा के ले आए फलांड मार्के बैंक के, तो वो कैश फ्लो उसके लिए, दैट्स इट। उसके अलावा उसे फाइनेंस क्या करना है आपके बैंक का, आप होम फाइनेंस लेना है तो प्रिंसिपल तो वो सिक्योर कर लेते हैं, बैंक के कागज घर के तो उनके पास है, वो जो आपकी असेसमेंट कर रहे हैं इनकम की उसे नहीं कर रहे, वो तो उसे कह रहे हैं कि आप हमारे किस्तें दे सकेंगे, दे सकेंगे जी। हाँ, वो तो कुछ तो गवर्नमेंट, वो तो पोलिटिकल स्कीम है ना, कि मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो तो कामयाब जमान हो गया, ये घर के स्कीम हो गई यहाँ पे। और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी स्टेट बैंक जिम्मेदारी ले रहा है डिफॉल्ट की, वो बैंक तो नहीं ले रहा ना। अभी भी क्या हो रहा है कि अभी भी जो जितने घर की जो हाउसिंग की स्कीम है एसेट सिक्योर कर लिया उसके नाम पे, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट 7 होने पर बात 5 तो स्टेट बैंक दे रहा है ना उसको, उसको तो कहीं पर मतलब उस पर मसला कोई नहीं। हाँ, वो स्टेट बैंक पीछे खड़ा है, उस पैकेज लेके आया, पूरी फाइनेंस स्कीम बनाई, और जो आप कर रहे रिस्क ऑफ डिफॉल्ट उसके अंदर डाल के पूरा एक पैकेज बना के उन्होंने प्रेजेंट किया। ऐसे हेल्थ कार्ड क्या है, तो उसने हेल्थ की फैसिलिटीज तो दी नहीं, वो तो पीछे इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम है, वो उनकी कॉस्ट है, उनकी फिक्स कॉस्ट है,
रिस्क तो ट्रांसफर कर दे इसको, तो ये मॉडल। बहरहाल तो फिर मेरा सवाल है कि अगर इक्विटी नहीं है आपके पास, एसेट नहीं है आपके पास, तो फिर वो बिजनेस जिन्हें पैसा रेस करना है कहाँ जाएंगे? हाँ, इतना पूरा स्टार्टअप प्लानिंग है जो अभी एयरलिफ्ट की जो 1 बिलियन एसेट की तरह है, कौन को पैसा लगा रहे हैं उनको? ये जो बाइकिया खड़ा है, ये जो सारे स्टार्टअप्स अभी खड़े हुए हैं, ये तो पूरे अमेरिकन फंड जो पैसा फाड़ रहे हैं इधर, अभी तो कॉस्ट बराबर ही नहीं, लोग अभी तो खुश हैं कि चलो यार जहाँ कॉस्ट अलाइन हुई तो फिर तो आप मार्केट फिर आपकी मजबूरी बन जाए, याद नहीं करते होंगे इस टाइम। सो प्राइवेट इक्विटी फंड वो फंड्स हैं जो कि ऐसे बिजनेस को फंड कर रही होती है, मतलब वो बिजनेस को फंड करते हैं, बिजनेस को मैनेजमेंट की टीम देते हैं, वो एंटरप्रेन्योर में जान देखते हैं। वो शार्क टैंक देखे नहीं, देखा आप लोगों ने, आजकल तो इंडिया में भी चल रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चर है, और फिर बिजनेस वैल्यूएशन, ऐसा बिजनेस जो कि लॉसेज में है फिलहाल और उसमें 80 रुपये नहीं है, उसको मैंने वैल्यू करना कैसे करूँगा? ये पूरी डिफरेंट टेक्निक है जिससे मैं मुतारिफ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना स्ट्रक्चर पढ़ा ना प्राइवेट इक्विटी फर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, और वो फिर वो बिजनेस को वैल्यू कैसे करती है वो भी मुझे नहीं पता। उसके भी डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि हमने, हाँ टेस्ट तो हर दफे होते हैं, वो बहुत टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया इस दफा उसने पूछा। सो ये भी नॉलेज गैप है जिसको हम कवर कर रहे होंगे इसके अंदर। अच्छा जी, जो मैंने लिखा है कि वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी, तो वेंचर कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ पी, वेंचर कैपिटलिस्ट वो खास पी है जो सिर्फ ग्रोथ कंपनी में आईटी सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो पी की टाइप मैनेजमेंट बाय आउट है, वो पी है। वो बहुत सारे ऐसी भी पी फंड होते हैं जो कि मैच्योर कंपनी जो कि नहीं चल पा रही किसी वजह से, वो आते हैं, आज कोई बाहर से कंपनी आ जाए बोले हमने पी आई उठाते हैं ऐसे तो सारे डिफॉल्ट में, फिर हम प्रॉफिटेबल करके भेज देंगे। तो ऐसी भी फंड होती है जो मैच्योर कंपनी उठा लेती है, लेकिन वो पूरा अम्ब्रेला पी था वेंचर कैपिटलिस्ट। उसमें वो पी है जो कि फोकस सिर्फ करती है जो कि ग्रोथ फेज में कंपनी, तो ज्यादातर टेक बेस्ड कंपनी होती है, ज्यादातर आजकल सारी एयरलिफ्ट ई कॉमर्स वाले टेक बेस्ड है। प्राइवेट इक्विटी फर्म पी फर्म और वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट, वो नहीं उस लड़के ने लिखा, वो वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी वीसी। अच्छा जी, उसके बाद आपका रिसोर्स मैनेजमेंट, पहली बात एक एचआर का आपका टॉपिक है, बीएम का रिसोर्स को कैसे आपने मैनेज करना है, क्या राइट रिसोर्स साइजिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी पर्टिनेंट टॉपिक, और अक्सर पास्ट पेपर में सवाल आया है, उसमें आपको 2 CEO को अपॉइंट करना है और आपको 2 प्रोफाइल्स दे दी, ठीक है, एक नॉलेज बड़ा रेलिवेंट है, एक स्किल बड़ा रेलिवेंट है। तो आप कहते हैं कि अब इसको तो अब रीजन कंक्लूजन वाली बात है कि आप फिर कहाँ पे आप फैसला करते हैं, तो इस किस्म के भी सिनेरियोस टेस्ट किए जाते हैं, या आपके एचआर का जो एरिया है बीएम से वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ। फिर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको अक्सर केपीआई दे दी जाएंगे, बताएंगे सही कि नहीं, कई दफा कहा जाएगा कि आप केपीआई ड्राइव करें एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के, ये जो ड्राइव हैं उस पर आप कमेंट करें, ये जो सेलिंग की है डेवलपिंग रिमुनरेशन एंड रिवॉर्ड पैकेज जो एक के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, फिर ऑल एचआर का जो आपका ये वाला एरिया आपका, फिर आपका ये तो ग्रोथ होगी बाहर चलोगे तो फिर आप जोड़ तोड़ है, एक आप ये रीऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग ऐसे कर लेते हैं आपने, और फिर आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड बिजनेस रिकवरी, कोविड के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया टॉपिक कि बिजनेस बड़े हालात से गुजर रहा है, ये करे वो करे बेच दे अपने आप को, ठीक है। अभी तक उसका एहसान ये है, अभी एम एस टूट ने अभी तक उसने कोर जो मैक के टॉपिक थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कोर, एक तो ना रेशियो एनालिसिस कमेंट्री हो गई, बजटिंग कैश फ्लो फोरकास्ट, इसके बाद में कोर यानी ABC कॉस्टिंग जो आपका था, रेलेवेंट कॉस्टिंग, लीनियर प्रोग्रेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो उनको भी टच नहीं किया। हाँ, मेक एंड बाय, शिफ्ट, शटडाउन, यहाँ तक वो आ चुका है, इस पर मेरी बड़ी डिटेल बात हो चुकी है जो ICAP की जो एग्जामिनेशन की टीम है, मैं नहीं कहना था ऐसा था के पास वैसे भी कंटेंट खत्म होता जा रहा है, तो आप शामिल कर लें उसको, और ICAP से हम इंस्पायर्ड हैं, मैक उसका पार्ट, लेकिन उनको बताया बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पेपर, हम पीछे से भी इसको निकालते आ रहे हैं, तो अभी हम ABC कॉस्टिंग कोर जो मैक के कॉन्सेप्ट हैं उधर हम टच नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ICAP में मिलेंगी, ठीक है। तो हमने वहाँ पर उसको कार्व आउट करना है। ICAP के पेपर में जो पेपर है उसका, उसमें फाइनेंशियल भी इसका पार्ट है, तो आपको अक्सर जो है वो अकाउंटिंग भी मिलेगी जो उसका पेपर है,
फिर हमें उन चीजों को अलग करना पड़ेगा आगे बढ़ा, ठीक है, तो हमने एम एस प्रैक्टिस करनी है, तो वो आप एज इट इज प्रैक्टिस नहीं कर सकते उनके स्टडीज को, थोड़ा सा उनको छांटना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी हमने उसको छांटा हुआ है जो आपके सामने जब हम रखेंगे. सो दिस इज द बिजनेस कॉन्टेक्ट, डिफरेंट सिनेरियोज जिसमें ये बात की जाती है. किसी के कोई क्वेश्चन है ऑनलाइन से या वो बता दे, फिर हम आगे चलते हैं. दो चीजें जिस तरह आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक इर्तका के अमल से हम लोग गुजर रहे हैं. पहले तो एक पॉइंट ऑफ टाइम था जिसमें हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इतना कंटेंट ही नहीं था कि जिसपे हम प्रैक्टिस कर सकते, तो हमारे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि हम माइनस डब्ल्यू के अलावा किसी चीज को प्रैक्टिस कर सकते. और अभी भी देखा जाए तो हमारा पेपर जो है वो चूंकि उनसे इंस्पायर्ड, हमारे कुछ पास पेपर हमारे पास हैं जिनको हम लेवरेज कर सकते हैं. बट आई सी डब्ल्यू को पढ़ना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है कि वो कम्प्लेक्सिटी के एक लेवल अप है. और जाहिर सी बात है, आपने हमेशा जब भी आपने ट्राई करनी होती है तो हमेशा आप एक लेवल आगे की तैयारी करते हैं, ताकि आप एटलीस्ट मार्क्स टू द मून विल लैंड टू द स्टार, या अदर वे अराउंड मेरे ख्याल से. सो उसमें है क्या कि आप स्टार को फोकस करें तो मून तक पहुंचेंगे. तो ऐसे आई सी डब्ल्यू को टेस्ट करने का मकसद ये कि चूंकि इसकी इंस्पिरेशन वहां से ड्रा हो रही है और हमेशा हर अटेम्प्ट में अपने आप को मुश्किल ही करता चला जा रहा है, तो क्या हुआ कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए और वो थोड़ा आगे बढ़ गया तो फिर हम फिर भी चले जाएंगे, तो हमारे पास चॉइस नहीं है. इसलिए हम कहते हैं कि हम वो एंगल भी हम कवर कर लेते हैं हम, और उस उसकी उस और दूसरी एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन कि जो आंसर हैं आई सी डब्ल्यू के वो बहुत जबरदस्त किस्म के ड्राफ्टेड है, एक शाहकार है. सो उसको आंसर को पढ़ के ही आपको बहुत सारी टॉपिक से पढ़ने की जरूरत नहीं रहती. वो एक्सपेक्टेड नहीं कि आप उस डिटेल का आंसर आप लिखें पेपर में, ना ही लिख सकते हैं, बट उसकी आर्ट ये है कि वो आपका टॉपिक भी रिवाइज भी करता है, अप्लाई भी करता है. तो उसके वो हम जब प्रैक्टिस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कि उसका आंसर जरूर पढ़े, ताकि आपकी ड्राफ्टिंग जो है वो आपकी बेहतर हो. क्योंकि जो आपका क्रिस्प किस्म का आंसर होता है जिसपे चेकिंग करनी होती है और एक पब्लिक व्यू होता है ओपिनियन का, तो उसके मुकाबले में उसकी ड्राफ्टिंग इज मच बेटर. तो देखिए आपको जब आप एक बड़े एवरी में हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे या मैं पूरा उठाऊं उसमें अगर ये भी गिर गया तो आप फिर फारे हैं. तो इसलिए आपको हमेशा थोड़ा सा एक लेवल आगे लेके जाने के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए, और हम जो की एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं वो भी उन्हीं को फॉलो करके करते हैं जो आइडियाज होते हैं, और वहीं से ही टेस्ट चीज़ें हो जाती हैं. जैसे लास्ट टाइम अब वापस चले जाएं तो मैं लास्ट दो अटेम्प्ट में लगातार कह रहा था कि अरे इस सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक टेस्ट होना है. उससे पहले मैंने कहा था कि आपका ये साइबर सिक्योरिटी टेस्ट होना, क्योंकि वो हर अटेम्प्ट वहाँ पूछ रहा था. अब उनको फॉलो करेंगे तो हमें, और यहाँ पर उससे पूछा उसने. उससे पहले तक मैंने कहा था कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस, हर दफा ड्यू डिलीजेंस यहाँ कोर्ट का पार्ट नहीं था, उससे पूछ रहे थे, पूछ ली So, उनसे करने का फायदा ये होता है कि ट्रेंड्स का आइडिया होता है और उसकी प्रैक्टिस पड़ी, उसका आंसर खासकर वो एरिया जो हमने पढ़े ही नहीं है, प्राइवेट इक्विटी, डेटा एनालिटिक्स, तो इसके आंसर जब पढ़ेंगे तो हमारा टॉपिक का जो गैप है वो भी हमारा कवर हो जाएगा. हाँ, लेकिन वो अभी बात ध्यान में 10 से 12 करते थे हम के स्टडी कर दें, क्योंकि हमें शायद हमारा ज़्यादा फोकस हमारा पास्ट पेपर पर ही हमारा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इससे रेलिवेंट मिले अपने आप को अलाइन करने. दोबारा बताओ. अच्छा, उसमें बेसिकली हमारा जो कोर्स कवरेज प्लान है ना, हम तो बल्कि वो आज के दिन तो बहुत आगे की बात है. हम लोग तो स्टार्ट जब करते हैं तो हम दो चीजें हैं, एक है दो डिफरेंट टॉपिक्स को अमलगमेट होना, कन्वर्ज होना, ये
तो एक आगे की बात, अभी तक तो हमने जो इंडिविजुअल टॉपिक है बीएम है उसकी भी हमने कोई केस स्टडी नहीं करी अभी तक हमने। तो फॉर मैं तो इसी चीज से आया था ना सीएम, तो मुझे तो खैर उस टाइम पर मेरे लिए चैलेंज तो मेरे P3, P4, P5 उस टाइम तो आपका बीएम का पेपर भी ऐसे ही हो रहा था 50 नंबर की केस स्टडी, 25-25 के तीन केस स्टडी, दो चॉइस करने। तो आपका और इवन ICTW में भी जो वो पेपर दे रहा जो इक्विवेलेंट पेपर है जो नीचे वाला पेपर से दिया होता है उसने भी केस स्टडी पढ़ ली। तो अभी तक तो आपको केस स्टडी का आइडिया ही नहीं कि केस स्टडी क्या होती है। तो हम तो अपना नॉलेज बिल्ड करेंगे कि पहले सिर्फ हम बीएम की सिर्फ केस स्टडी करेंगे, सिर्फ जिसमें और कोई टॉपिक नहीं होगा, सिर्फ बीएम पहले तो हम, और जब हम बीएफडी की सिर्फ बीएफडी करेंगे, ताकि हमारा पहले हम 50 नंबर का सवाल होता किस तरह से है उसकी, क्योंकि उसमें डिफरेंट स्किल्स हैं, रीडिंग कैसे करनी है, पेपर को संभालना कैसे है, क्वेश्चन पढ़ना है, एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, थॉट पैटर्न को कैसे अलाइन रखना है, ये अलग स्किल है ना। अब इसमें मैं चार सब्जेक्ट इकट्ठे डालूंगा तो मैं तो फट जाऊंगा मैं। तो पहले तो मुझे वो ग्रेजुअली ग्रो कर, हमारा कोर्स कवरी प्लान किया कि पहले हमने सिर्फ वो केस स्टडीज करनी है जो सिर्फ बीएम की है, सिर्फ केस स्टडी, ताकि मेरा केस स्टडी का स्किल डेवलप, फिर मैं सिर्फ वो करी जैसे बीएफडी की। ये कुछ करने के बाद फिर मैं वो ऐसी केस स्टडी की तरफ आऊंगा जिसमें दो तीन टॉपिक इंटीग्रेट हो, इंटीग्रेटेड केस स्टडी में इसके बाद करूंगा। कोर्स कवरी प्लान हमारा क्या है कि अगर आप, लेकिन इसमें आसानी होगी कि अगर MSA2 की वर्क देखें जो IGAP की है वो भी इसी पैटर्न पे लाएंगे, उसकी जो केस स्टडी नंबर 1 वर्कबुक से हम शुरू करेंगे अपनी, और हम पहले केस स्टडी 1 से 5 तक जो हमारी केस स्टडीज हैं सारी नहीं करेंगे, दो तीन करेंगे हम, दो आप घर से कर लेंगे। ये पहली 5 केस स्टडीज हैं सिर्फ आपकी बीएम की केस स्टडीज हैं, ओनली बिजनेस मैनेजमेंट है, इसमें आपका इंटीग्रेशन नहीं है। यह आपका कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टडी है, डेटा एनालिस्ट के फर्स्ट सिर्फ डेटा एनालिस्ट के 25-30 नंबर का, ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो। उसके बाद जो आपके अगली 5 केस स्टडीज हैं, केस स्टडी नंबर 6-10 वो सिर्फ बीएफडी है, उसमें आपको और टॉपिक आपका, और खास कर उसमें वो वाले टॉपिक हैं जो कि आपके नॉलेज गैप, प्राइवेट इक्विटी फ्रॉम पी, वो चीजें जाके हम सिर्फ ये अटेम्प्ट करें ताकि आपको नॉलेज गैप भी कवर हो जाए, पिछली भी रिविजन हो जाए नॉलेज के, दो तीन केस में बीएफडी हम करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे जो एग्जाम स्टाइल केस स्टडी, क्या है आपकी एग्जाम स्टाइल, उसके अंदर जो है आपके 5 सवाल उसके हैं, 3 नए सवाल हैं जो इस दफा इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लास्ट वर्कबुक में अभी वर्कबुक नहीं लॉन्च हो रही है, तो वो उन्होंने 3 सवाल जो हैं एक बहुत ही कॉम्पिटेंट जिसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता उस प्रोफेशनल से उसने 3 सवाल बनवाए हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन किया होता है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता, वैसे मैं आपको बताया था। अच्छा बार सर जितना आप दिमाग है आप वहाँ तक पहुँची चुकी होंगे, वो 3 क्वेश्चन और भी ऐड हो गए, और वो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली हम पहले मॉक, जब मॉक के लिए क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं हमारी अपनी प्रोप्राइटरी, तो 3 क्वेश्चन तो एग्जाम लेवल पर केस स्टडीज आएंगी आपकी जो कि MSA2 से आपकी लाइन है, जो आई कोई कोर्स वर्क का पार्ट है, फिर हम वो अटेम्प्ट करेंगे आई करती पहले 5 वो अगली 5 वो, ठीक। उसके बाद हम 2 पास्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कितने आई कैप के 2 पास्ट पेपर, ये करने के बाद जो 4 से 5 पास्ट पेपर हैं ये उनको हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे हम छोड़ देंगे, और फिर हम जाएंगे ICTW पे, और उसके हम सिर्फ 6 को केस स्टडीज हम क्लास के अंदर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर वापस आके हम फिर एक और पास्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे। वो कौन सा पास्ट पेपर होगा जो बिल्कुल रिसेंट गुजरा है, ताकि हम बिल्कुल अब यानी कि हमने बेस तैयार कर ली, एग्जाम लेवल केस स्टडी के लिए शुरू वाले पास पेपर कर लिए, ICTW देख लिया, अब हम आगे जो बिल्कुल रीसेंट पास पेपर गुजरा है हम उसको अटेम्प्ट करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है वो। और इसके बाद इंटेंशनली 2-3 पास पेपर छोड़ दिए जाएंगे, वो इसलिए कि अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की है वो टाइम बाउंड तो की होगी जब बीच में आपके टेस्ट भी होंगे, लेकिन वो आपने 1-1 सवाल भी किया, 3.5 घंटे का एक अलग मजा है जो कि आपने मॉक से पहले अपने आपको तैयार करना है। तो अगर आप पहली दफे पेपर में जाकर 3.5 घंटे टाइम करेंगे तो देर मार्ग भी चांसेस आप ना संभाल सकें, फिर 6 मिनट दोबारा वेट करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि हम मॉक, हमारे जो टारगेट होना चाहिए दैट इज मॉक, इट शुड नॉट बी ICAP का पेपर। हमारा मॉक मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये कभी भी नहीं हुआ
हिस्ट्री में कि किसी स्टूडेंट ने हमारा मॉक पास कर लिया और वहाँ पेपर में फेल हो गया, ये तो हुआ कि मॉक फेल होकर पास हो गया, कि उसको उसका लेवल इज लाइक टॉप नॉच, ठीक है, तो वो मॉक। और इवन हम ये कहते हैं अगर आपने 45 नंबर भी ले लिए ना पैक के मॉक में तो आपका पेपर पास है, तो उसका एग्जाम लेवल अभी इसमें परेशानी वाली बात नहीं, वही मॉक हमने टेस्ट में भी इसी क्लास में डिस्कस किए होंगे, तो आप खुद ही अटेम्प्ट करके देख लेंगे, ऐसे कोई कोई ऐसी बात नहीं हो रही पंडित जी क्या जिसको जस्टिफाई ना किया जा सके, ठीक है, यू विल कम अक्रॉस वेरी सून। अच्छा, तो वो आपने जो अटेम्प्ट करना, आप मॉक इज योर एंड डेट, मैंने मॉक इज योर टारगेट डेट, और उससे पहले तक हमने 2-3 पास पेपर 4-5 इंटेंशनली छोड़े जाएंगे ताकि आपको 3.5 घंटे के अंदर 3.5 घंटे की आपको फ्लेवर मिल जाए, जो कि आपने मोबाइल से ऑफ करके 3.5 ताकि आप मॉक पास कर सकते, खुदा ना खासा कुछ कमी बेची रहती है पेपर पैर पूरा कर। बेसिकली इज स्किल, स्किल के लिए आपको प्रैक्टिस, स्किल का एक ही हल है स्किल डेवलप करने, एक स्किल है ना, एक आर्ट है, एक फनकारी, एक तकरीर, एक बंदे को बोलने का फन कैसे डेवलप करेगा, बोल बोल के डेवलप करेगा, किताबें तो नहीं पढ़ सकता, स्विमिंग एक आर्ट है, वो जब तक गिरेगा नहीं, हाथ पाँव नहीं मारेगा वहां पे, उसको और भी हल नहीं है जितनी मर्जी। ऐसे ही हाँ ठीक, कुछ गाइडेंस वाइडेंस है, सुन लिया समझ लिया गेयर लगा, लेकिन जब जाएगा तो पता चलता, ऐसे ही गाइडेंस मिलते रहेगी आपके जो 70-80 घंटे हैं, वो 70-80 घंटे में गाइडेंस ही मिल सकती है, उसको क्या हो सकता है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, तो वो 3-4 इंटेंशनली छोड़े जाएंगे ताकि आपके पास एक अनसीन एक नॉलेज जिसको आप कैटर कर सकें, ठीक। सो दैट इज आवर कोर्स कवरेज प्लान, उसको डॉक्यूमेंट भी कर दिया जाएगा, पिछला हम ये हर दफा ये पैटर्न फॉलो करते हैं और हम आपसे शेयर कर दें। अच्छा, अब कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेबस लाइक स्पेसिफाइड बाय आईकैप, जी बिल्कुल, इसका स्कोप ऑफ स्टडीज में आप जाएंगे तो आपको तो पूरा कोर्स डिफाइन है, आप खुद तो नहीं है सर बोर्ड, अच्छा बोर्ड पे लिखकर बता दें, लिख नहीं पा रहे, विल यू शेयर द कोर्स कवरेज प्लान टुडे, नॉट टुडे मे बी ओवर द वीकेंड, ऐसी बात है मसरूफ आदमी तो थोड़ा, लेकिन मैंने आपको बता तो दी तकरीबन सारे, इसको डॉक्यूमेंट ही करना है तो मैं आपसे डॉक्यूमेंट कर लूंगी, और कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? अच्छा जी, क्योंकि क्वेश्चन के सिनेरियो से लिंक होते हैं, जैसे कि आपने आपने रीजनिंग किस बेस पर डेवलप होगी, सिनेरियो के बेस पे ना, अब आपने भी आपने देखो सेक्स दोनों के सेम है, अगर नॉलेज का बेहतर है और आपका नहीं बेहतर है तो आपने एरर कर दिया ना, वो साफ कह रहे उसकी आईटी की डिग्री और आईटी का हेड चाहिए उनको, आप कह रहे हैं जी ये मैकेनिक इंजीनियर बेहतर है, तो ये बात तो गलत है। जो दो स्टूडेंट्स हैं दोनों टॉप नॉच हैं, व्यू डिफरेंट है, तो वो भी ये कहेगा कि डिग्रीज की बेहतर है और आप भी कह रहे हैं डिग्रीज की बेहतर है तो उसकी बेहतर है, आप भी कह रहे हैं एक्सपीरियंस उसका बेहतर है, वो भी कह रहे हैं एक्सपीरियंस बेहतर है, आप भी कह रहे हैं कि स्किल इसका स्किल के ये फेसेट इसके अच्छे हैं, स्किल के ये फेसेट इसके अच्छे हैं, यानी कि फैक्ट्स दोनों को आप एक ही तरह अप्रिशिएट कर रहे होंगे, प्रोफेशनल एनालिसिस सेम रहेगा, रीजन के लिए फर्क होगा। अच्छा, अब आपने किस फैक्टर को ज्यादा वेटेज देनी है, क्योंकि आपके सामने ऐसा है नहीं कि स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस, क्या ये 33% है या इसकी 80% वेटेज है स्किल की और इसकी 10% है, ये वेटेज आपने ड्राइव करनी है और उसकी बेस पर आपने फैसला करना है, आप ये वेटेज किस तरह ड्राइव करते हैं ये क्वेश्चन का सिनेरियो बताएगा, उसने कहा यार आप बोलते हैं कि इस चीज की वजह से, क्योंकि अभी इनका प्रैक्टिकल मसला क्या है, इस बंदे को टीम बनानी नहीं आती और लोग छोड़ के जा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जो बंदा है इसका स्किल क्या है टीम डेवलपमेंट, तो इस वजह से कंसिडरिंग ऑल दो उसकी क्वालिफिकेशन में छीनी है और वो बेहतर है, लेकिन इस स्किल की वजह से इट इज मोर प्रेफर्ड। अच्छा, वो दूसरा आंसर क्या कर रहा है, अगर तो कुछ कई स्नैरियो से बात कर रहा है छोटे ठीक है, अगर खुद एग्जेंप्शन लेके बारी है तो मेरे हिसाब से चूंकि इसकी डिग्री बेहतर और डिग्री वाला बंदा हमें ज्यादा बेहतर चाहिए, मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी चला लेगा, तो ऐसी बात उसको नंबर आपको नहीं मिल रहे होंगे, क्योंकि उसने जो अजम्पशन की हमेशा पीछे रहेंगे और फैक्ट्स हमेशा वैलिड
रहेंगे. दैट इज द डिफरेंस. हाँ, अगर कहीं सिनेरियो में दिया हुआ है, ये भी एक केस दिया हुआ है कि उसको लास्ट जो उसको एकेडेमिया नॉलेज नॉन एक्विजिशन में बड़ा बिजनेस लॉस किया, ये भी कहीं, तो अब अगर वो यहाँ से पिक करता है बात को और कहता है कि नॉलेज फिर बड़ा जरूरी है और एक किसी भी प्रेफर्ड है, अब आपकी बात भी ऐसे नहीं कि आप हार जो उधर से खुला खाता है जहां मर्जी उसको, भाई खुला खाता शुड बी अलाइंड विद द फैक्ट्स ऑफ द बिजनेस. अच्छा, जो आपकी वेटेज है 40 से 50 नंबर, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एरिया है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या टॉपिक है, ये बड़ी क्लियरली डिफाइंड आपके स्कोप ऑफ स्टडीज में. तो आई वुड रिक्वेस्ट आप MSA2 की ICAP की वेबसाइट पे जाएं, MSA2 का स्टडी रिसोर्स उठाएं, तो उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल में 40 से 50 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स मिल जाएगा. ऐसे ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपका 35 से 45 नंबर आपके आप हमेशा से एक मसला रहा, जो रेशो रहे हैं उसकी इंटरप्रिटेशन है वो किसका पार्ट है. कभी हम उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट बनाते थे तो ये ग्रिड आउट हो जाती थी, इस ग्रिड वाले वो आउट हो जाती थी. हम ICAP से पूछते कि यार कि किसका पार्ट है, जहाँ पे नंबर अगर कहते हैं वो BM का पार्ट है तो हम कहते हैं तो कई दफ़ा आपको ऐसे मिलेगा पास में कि उसको इधर डालते तो ये वेटेज आउट हो जाती है, तो कहते हैं नहीं इसका पार्ट है, जब इधर डालते उसका पार्ट. तो खैर अब उसने ये किया कि आप क्लियर कर दिए कि वो उसको इस ग्रेड का पार्ट होना चाहिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इधर डाल दिया. टेक्स्ट 5 से 15 नंबर का है और आपका ये मैनेजमेंट गवर्नेंस ये 5 से 10 नंबर का, यानी मिनिमम 5 तो पूछेगा तब ये 10 से 12 तक भी जाता हुआ देखा गया है. ठीक है, पेपर स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि इसके एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चन पहले होता है जो कि आपकी 50 नंबर की ये स्टडी आपकी, जिसमें आपके दोनों BM और BFB दोनों टेस्ट होते हैं हर दफा, ये पैट है. अच्छा, उसमें आपका और कभी कभी आपका टैक्स और एथिक्स भी साथ टेस्ट हो जाता है. कभी कभी नहीं भी होता तो फिर इंडियन वालों का टेस्ट होता है, क्योंकि टैक्स और एथिक्स के लिए टेस्ट होना ही होना है. तो कई दफा उसी सवाल में टेस्ट होता है, कई दफा अगर वहां पर ना हो तो इधर टेस्ट होता है, या एक भी उधर टेस्ट होगी इधर होगी. एक क्वेश्चन आपका ज्यादातर देखा गया है कि BM फोकस ड्रिवन, BM इंक्लाइन ज्यादा होता है और एक नंबर आपका, क्योंकि देखा दोनों के नंबर अगर आप देखें 35 से 40 और 40 से 50, तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो दोनों कवर नहीं हो सकते, तो जो नंबर बच जाते हैं तो एक सवाल पे इधर डालते हैं एक सवाल इधर डालते हैं. तो इस किस्म के ज्यादातर जो सवाल अभी तक देखे गए हैं जो BM से आपके, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, KPIs, HRM, क्लोज बिजनेस, मार्केट स्ट्रेटजी, ब्रांड, ये छोटे छोटे एरियाज है जो उसने टेस्ट किए. और क्वेश्चन नंबर 3 में कैश फ्लो, फाइनेंसिंग, एक्विजिशन, ऑर्गेनिक वर्किंग कैपिटल, इधर उसका ज्यादा फोकस अभी तक रहा है, जो मैंने पहले भी बनाने पर किया था. यहाँ पर हम कर लेते हैं 10 मिनट की ब्रेक और फिर हम 10 मिनट के बाद दोबारा सेशन को रिज्यूम करते हैं, ताकि आपकी जिसके निकोटीन लेवल आउट है वो निकोटीन पूरी कर ले, जिसकी कहते हैं डोपामिन लेवल आउट है फेसबुक के नोटिफिकेशन और किसी के मैसेज देखने तो वो अपना शॉर्ट्स ले ले, किसी के अगर एनर्जी लेवल बहाल करना तो वो कर ले, और किसी ने अपना स्पिरिचुअल लेवल बहाल करना तो नमाज पढ़ ले. इंशाल्लाह हम जो है वो 8:30 पे रिज्यूम करते हैं. जी जी, प्रेजेंटेशन अभी आपसे आज ही शुरू होगी.
अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब लोगों को आवाज आ रही? ओके जी, तो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन की फॉर पासिंग एमएसए टू आइडियल्स टू हैव जस्ट अ क्विक लुक। जाहिर सी बात है ये ओवर द ईयर प्रैक्टिस करके चीजें बेहतर समझ में आएंगी, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू कंसिडर। नंबर वन थिंग इज वी हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई बिग इशूज थ्रू केयरफुल रीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। के अगर वो आपसे बेनिफिट्स पूछ रहा है या स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो सात आठ हैं तो की कौन सी हैं, तो उसको रेलेवेंट ज़्यादा वेटेज देना। और जितना बेहतर आप लिंक क्रिएट करवाएंगे अपने ऑगोमेंट को बेहतर बिल्ड करने के लिए, आप कह रहे हैं कि इनकी वीकनेसेस है, दूसरा बंदा कह रहे हैं इसकी वीकनेस है, देखो इसे मार्केट शेयर इतने परसेंट लूज भी कर गए हैं, तो अब ये आपने भी वीकनेस आइडेंटिफाई की, आपने भी की, बट आपके ऑगोमेंट में ज़्यादा जाने के आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की यूज करते हैं अपने ऑगोमेंट को बेहतर बिल्ड। जितना बेहतर आप लिंक बिटवीन इशूज क्रिएट करेंगे उतना ही आपको चैलेंजेस कि आपने ग्रो करना है और आपको फाइनेंसिंग कैसे आएंगे, जितना बेहतर आपके लिंक। फिर बहुत सारे हिडन पॉइंट्स होते हैं जिसको आपने आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनेरियो से लिंक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशूज आइडेंटिफाई करें, और पहले ही नोट है कि आपने लास्ट मिनट जो साइन किए उसकी डेट आ रही है जो कि 6 महीने पुरानी है, तो आप हिडन पॉइंट है कि क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही। फिर बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी क्वेश्चंस करें, कोई रिकमेंडेशंस दे रहे हो, रीजन कंक्लूजन देने, तो आप क्वेश्चन के फैक्ट्स को सैनिटी के जरूर चैलेंज कर रहे हो कि आप लेकिन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कंसिडरिंग ये सारा व्यू है तब ये रेंज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके रियलिज्म, उसकी जो कहते हैं इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी को जरूर चैलेंज कर रहे हो, और आप आखिर में लिख रहे हो कि अगर तो मार्केट वैल्यूज नहीं है ये बुक वैल्यूज, तो ये उसकी अजम्पशन ली गई है कि इसके अलाइन होंगी, बट रिकमेंडेड है कि आप ड्यू डिलीजेंस करवा लीजिए। तो इस किस्म के आप बेसिकली इट्स मोर लाइक जब आप अपने पार्टनर को या अपने क्लाइंट को रिकमेंडेशन दे रहे होते, इट्स नॉट अ स्टेट हाँ और ना, इट्स लाइक अ डिस्कशन, रीजनड डिस्कशन, कंक्लूजन विद ऑल द कैवियट्स। जैसे बताया आप कहते हैं यार कि मैं अपने बच्चों को स्कूल में कराऊँ, इट्स नॉट अबाउट बीकन हाउस में करा दें यार या एक्स वाई जेड में करा दें, आप बोल रहे हैं यार कि इसमें ये ऐसे तो एक करा दें, ये करा दें, बहरहाल इधर जाना है तो फिर ये चीज़ें कंसिडर करते आप उधर चले जाएँ, ऐसे कहते हैं ना बात आपने, तो वैसे आपने यहाँ पे इन चीज़ों को भी आपने कंसिडर करना है। और आंसर कोशिश करें एज पर रिक्वायरमेंट ऑर्डर करने से कितनी दफ़ा होती है कि कई दफ़ा नीचे वाला पार्ट सी पार्ट बी से लिंक्ड होता है, तो आप एक तो फ्लो भी मेंटेन रहता है, फिर आपको जगह छोड़ के आगे जाना, वापस आके उस जगह पे लिखना भी एक चैलेंज है। सो फ्लो के हिसाब से चलना इज ऑलवेज ईजी। हाँ कहीं पर आप स्ट्रक हो रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और फिर हम आगे चलें। कई दफ़ा रिक्वायरमेंट्स आपकी ओपन एंडेड होंगी और मल्टीपल टास्क एक ही रिक्वायरमेंट के अंदर होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुली अवेयर हों रिक्वायरमेंट से, तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी और फिर आपको केस स्टडी पढ़नी। केस स्टडी पढ़ के रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा इसको तो इस एंगल से देखना होगा तो बहुत देर हो चुकी होगी, तो कहते नहीं न्याय साहब जी कि बहुत देर कर देता हूँ, तो वो देर ना हो जाए तो बहुत यानी कि प्रोएक्टिवली हमें इस पे अमल करना है। तो इंश्योर यू आर फुली अवेयर ऑफ एन इंस्टेंट टास्क। फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर तो नॉर्मल अप्रोच से चलेंगे, सो ये पेपर 4 घंटे का पेपर, 3.5 घंटे का है ही नहीं, मतलब ये पेपर है ही 4 घंटे का, वो भी अगर आप टाइम मैनेज करते हैं और टाइम आपको 3.5 घंटे दिया हो, तो यकीन आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने हैं, तो वो अगर तो जितने कैलकुलेटेड कॉम्प्रोमाइज होंगे उतना ही जो है आप उसके लिए प्रैक्टिस जिगरा चाहिए और आसान काम। फॉर एग्जांपल आपने ये फैसला करना है कि आपने बाहर के मुल्क में अपने ऑपरेशन ओपन करने ये नहीं करने या लोकल ऑपरेशन करने, दो ऑप्शन आपके सामने, तो उसमें आप स्ट्रेटेजिक इश्यूज होंगे, ऑपरेशन इश्यूज होंगे और फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे। फाइनेंशियल में आपने एनपीवी निकाल ली लोकल प्रोजेक्ट की, अब आपने फॉरेन की निकालनी शुरू की और आपको पता चल गया कि यार कि पहले 3 कैश फ्लोज में ही ये आउट हो चुका है इसके मुकाबले में, अगर मैं नीचे से और चीज़ें निकालता भी उसे कैश फ्लो में और डिस्काउंट रेट भी इसका
ऊपर है इससे जो वहां पे यूज होना है, तो कभी भी इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी बनेगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बन सकती, ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो कोई जरूरत नहीं पूरी कैलकुलेशन निकालने की, अगर आपने व्यू बन ही गया आपका कि इसकी वैल्यू से कम, मतलब फाइनेंशियली ये ज्यादा बेहतर है, बट फैसला फाइनेंशियली तो नहीं ना, फैसला तो बहुत सारे फैक्टर्स पे होने हैं। अब यहाँ तक पहुँचने के फाइनेंशियली कौन सा बेहतर है, अगर आप शॉर्टकट से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप एक नंबर लूज कर लेंगे, दो नंबर लूज कर लेंगे एनपीवी नया निकालने के, बट आपको पूरा क्वेश्चन कंट्रोल रहेगा, बजाय इसके कि आप पूरी एनपीवी निकाल लें कल को फाइनेंशियल के बाद बाकी एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने की जगह ही टाइम ही ना बचे। सो दीज आर द कॉम्प्रोमाइजेज, वी आर नॉट कॉम्प्रोमाइजेज, इसको एफिशिएंट अप्रोच कहा जाता है, लेकिन मैं आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, मे बी यू हैव टू मेक सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेज, कि जब आपको कैश फ्लो फोरकास्ट अगर बनानी पड़ गई, कैश फ्लो और पांच नंबर है उसके उसके उस कैश फ्लो फोरकास्ट का बाकी किसी क्वेश्चन पार्ट का भी उससे कनेक्टेड नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, यानी कि पार्ट सी का आंसर पार्ट बी की कैश फ्लो पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो कैश फ्लो बनाने के लिए नहीं, वो छोड़ने के लिए, वही छोड़ने के लिए, क्योंकि वो बाकी उसमें वो कभी भी पांच नंबर को मल्टीप्लाई करो 2.1 दस नंबर, 10 मिनट में कैश फ्लो फोरकास्ट नहीं बनती उसकी, वो 25 मिनट आपने लगा वो ट्राया पे बेसिकली कैलकुलेशन में, नहीं आज वो छोड़ने के लिए बेसिकली, वो करने के लिए, तो बहुत सारी जगहों पर आपको एफिशिएंट अप्रोच देनी पड़ेगी to hit the maximum number of the areas. फिर बड़ा important है कि आप जो question को pick करें उसको एक full coverage दे रहे हो, coverage से बड़ा तो सारे aspects को आपको cover करना। अक्सर आपको challenge आएगा क्योंकि time थोड़ा होगा कि depth versus breadth का, किसका depth versus, हमेशा आपने breadth को focus देनी है कि आपने breadth for example SWOT आप cover करना है, तो बजाय आप चार स्ट्रेंथ लिख लें, टाइम आपके पास इतने ही कि आप चार लाइनें लिख सकते हैं, तो चारों स्ट्रेंथ लिखने से बेहतर है कि आप एक स्ट्रेंथ, एक वीकनेस, एक अपॉर्चुनिटी और एक थ्रेट लिख लें, ताकि आंसर की ब्रेथ कवर हो। इट इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू, टाइम बच जाए तो फिर आप कुछ पांचवा एक और कुछ ऐड कर लें, और इसलिए आपको प्लानिंग बड़ी इफेक्टिव करनी है, जिसके लिए आपको एंग्जाइटी और स्कैटर्ड अप्रोच को प्रिवेंट करना। ये भी आप तीन चार दफा आप पेपर नहीं हो तो इसका आपका रीजन ये आखिरी वाला है, इट्स नॉट अबाउट जो कि आपके पास नॉलेज नहीं है या आपको पता नहीं करना क्या, आपका प्रॉब्लम इज योर प्लानिंग, कि आपकी अप्रोच जो है वो स्कैटर्ड है और आपकी एग्जैक्टली जो है पेपर के टाइम पे शायद कंट्रोल नहीं हुई, दैट इज द मोर रीजन। हाँ तो बस वो, और जो बाकी जब वो होश में आता होगा तो उसमें फिर कुछ करने लायक होगा, बचता भी नहीं होगा, ऐसे ही है। सो बेसिकली आपके टेक्निकल मार्क्स तो हैं, यहाँ पे आपको स्किल मार्क्स देने, यानी कि आपको जो स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेटिंग देनी है, तो वही आंसर आप भी लिख रहे होंगे, वही लिख रहे होंगे, देखो स्किल्स बेहतर, स्किल्स से क्या मतलब है कि चार वीकनेसेस हैं, लेकिन टॉप की कौन सी है, तो आपने भी लिखी टेक्निकली आपने सही लिखी, लेकिन आपने स्किल मार्क्स में भी आपने लूज कर दी। ऐसे आपको कहा जाता है कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएट करें, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो उसमें अगर आप रॉस यूज नहीं कर रहे तो आप बहुत नुकसान करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जैसी स्ट्रॉन्ग रेशो को यूज किए बगैर आप कैसे एनालिसिस कर, ठीक है सेल्स आपका मिस हो जाए लेकिन रॉस नहीं मिस होंगे, लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है, तो वहां पे रॉस यूज करने का फायदा क्यों नहीं, ठीक है। तो वहां पे तो उसके अपने मेट्रिक्स और केपीआईज हैं, जैसे मैं फर्म काम कर रहा हूँ, फर्म में मैं पार्टनर हूँ, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EY KPMG के लिए इरेलेवेंट रेशो है, क्योंकि मेरे तो कोई एसेट ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म में कल को तो कोई एसेट ओन ही नहीं करते, उनके सारे सब रिसीवेबल में खड़े होते हैं मैक्सिमम, उन्होंने तो आगे इक्विटी दे के निकाल, जब जाना तो एग्जिट देना, वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, तो उनके लिए तो प्रॉफिट पर पार्टनर या रिसीवेबल डेज ये उनके KPIs होंगे ना, बिजनेस का ग्रोथ, और उनके लिए अगर आप रॉस लेके बैठ जाए उनके लिए कैपिटल थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल इरेलेवेंट रेशो, स्किल का टेक्निकल से आपको मार्क्स मिल जाए रेशो एनालिसिस में आपको रॉस लिखने का कैलकुलेट भी मिलेगा, लेकिन स्किल के मार्क्स आपको नहीं मिल रहे, और लॉट ऑफ हेडरूम से क्या मिला था, कई दफ़ा जो पेपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको 10 नंबर उसके दिए होंगे, लेकिन उसमें आपके पास गुंजाइश होती है कि 12 नंबर ले सकते, तो अगर मे बी आपने 12 नंबर नहीं भी लिए, 10 फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आप एडवांटेज भी लिखे डिसएडवांटेज भी लिखे रिकमेंडेशन भी लिखे, अब 3 नंबर की एडवांटेज है, 3 नंबर डिसएडवांटेज है, 6 नंबर की रिकमेंडेशन, तो आपने एडवांटेज कम भी लिख दिया फिर भी चाहते आप 10/10 ले लें, क्योंकि इसको बोलते हैं हेडरूम, कि आपके पास इस सवाल में से नंबर लेने के लिए 12 पॉइंट जो आप लिख सकते हैं, इससे कुछ से भी 10 लिख लेगा 10 नंबर मिल जाएंगे, ये तो हेड रूम, क्या आपके पास गुंजाइश 12 नंबर तक जाने की है, 12 इशूज उसने दिए हों, मान लें नंबर 10 है, एक इशू का एक नंबर है, तो हेड रूम के 12, तो अगर आपने दो स्किप भी कर दिए इशू 10 पूरे लिख लिए तो कोई मसला नहीं, इसको बोलते हैं हेड रूम।
हेड रूम होता है इसका इन 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 क्वेश्चन में. तो टेक्निक्स क्या है आपकी कि आप डिसाइड करेंगे कि विच क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड कंप्लीटली. आईकैप में तो इतना से नहीं है लेकिन ACCA में और ICW में. अच्छा मैं ICW का मेंबर भी ऑटोमेटिकली, जो कि आप 5 साल की जब मेंबरशिप हुई होती है आप ऑटोमेटिकली ACCA के थ्रू आप थीसिस के बाद उसके ICW के मेंबर बन जाते हैं. सो कंसिडरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ ऑल थ्री बॉडीज ICW में भी और ACCA में भी, अगर आपकी केस स्टडी आपकी फेल है, अगर आपकी तो आपका पेपर फेल है. यानी कि आपने 50 में से पहले 20 नंबर लिए और बाकी में से आपने 35 नंबर ले लिए बाकी में, तो आप वैसे 55 बन गए ना. लेकिन ICW में ACCA में फेल है, लेकिन ICAP में ऐसी कोई बात कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है. तो इसलिए आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 से भी स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन शुरू वाले 15 मिनट आपने किस सवाल को देने हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रीडिंग टाइम है. तो इसलिए कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1 को ही टेकअप करें, क्योंकि ये कहीं लिखा होगा फेल होता है तो आपका पेपर फेल है. बट स्टिल, लेकिन इट इज़ अ नॉट रूल ऑफ थम, जो आपको बेहतर लगता है किसमें है पेपर 15 मिनट शुरू वाले कब से स्टार्ट हुआ. अच्छा वो 3:30 15 मिनट खत्म कर दिए इसमें. अच्छा ये जब से वो जब ऑनलाइन करके से चेंज किया तब से. अच्छा बहरहाल नहीं नहीं वैसे नहीं, उसका फायदा ये था 15 मिनट आपने वैसे भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 25-30 मिनट तो पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने में आपको लग जाता है. तो अगर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम मिलता तो आप इधर यूज कर लेते ना. हाँ तो पहले शुरू शुरू में था ना 15 मिनट के अलावा 3:30 घंटे तुमने, तो फिर तो ठीक है ना, तो 3:45 है ना, तो आप 15 मिनट आपको शुरू से और ऐड कर दिए उसके अंदर. दैट इज फाइन कि आपके पास जो है वो 15 मिनट की शुरू की एक विंडो है. सो इट्स अप टू यू कि आप जो है उसको कितना बेहतर लेवरेज कर सकते हैं. अब उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि आप उस दौरान लिख भी सकते हैं पहले ये, ताकि आपने सिर्फ उसको कंसिडर. और वैसे भी इस पेपर में आपने एग्जाम पेपर पर तो वैसे भी लिख सकते हैं. सो आइडिया यही है कि आप 15 मिनट शुरू वाले हैं आप उसको यूज़ करें प्लानिंग के एतबार से. अगर आप इस सवाल में पढ़ देंगे पहले पहला करूँ दूसरा, तो इसमें भी एक टाइम तो लगेगा आपको, तीनों सवालों को देख के आपने एक फैसले पर पहुँचना. सो अगर आपको होता है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही पहले अटैम्प्ट करना है सर रिक्वायरमेंट देख के, तो उसमें अगर आपको पहले जहन बना हुआ है, लेकिन ये जहन कब बना होगा जब आपकी ने 2-3 सवाल पहले किए होंगे पास प्रैक्टिस 3-4 3.5 घंटे में, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 भी पहले आपको तैयार. ये अप्रोच बनने ज़्यादा बेहतर है. तो जो भी आपकी अप्रोच बन चुकी होगी वो पहले से बनी हो, ना कि आप उस दिन कुछ यानी वो डिसाइडिंग पैरामीटर्स आपके डिफाइन हो गया कि मैंने 4 चीज़ देख के मैंने फैसला करना, वहाँ ब्लैंक जाके फैसला करना और वहाँ पर डिसाइड करना होना किसी डिसीजन फ्रेमवर्क के बगैर, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया. सो इसलिए अगर पहले 15 मिनट भी देखे जाएँ जिसमें आप लिख भी सकते हैं पेपर पे और शुरू वाला टाइम भी है, और देखिए आपने जो आगे क्वेश्चन लेके चलेंगे वो तो 3:30 घंटे के अतबार से जो आपकी प्लानिंग होगी 3:30 के अतबार से होगी. जो हम प्लान करते हैं 2.1 पर मार्क्स हम, तो हम और हम टीचिंग में भी अभी क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे तो 2.1 फोकस ही कर रहे हैं, यानी 3:30 घंटे के अतबार से हम पेपर प्लान कर रहे हैं. 15 मिनट एडिशनल टाइम कंसिडर करते हैं, उसमें अब लिखना आर्ट अलाउ कर दी तो उसको हम कोशिश करते हैं कि आप किसी सवाल में ऐड करें. ठीक है, लेकिन हमने जो पूरी प्लानिंग करनी है वो 2.1 के अतबार से हम लोग करते हैं क्लास में भी जो हम प्रैक्टिस करेंगे, और आगे हम 2.1 के 3.5 घंटे के अतबार से हम चल रहे होंगे. सबसे पहले आपने रीड करनी है रिक्वायरमेंट, और आपने ये कहना है व्हाट डू यू नीड टू बी थिंकिंग अबाउट. सबसे पहले आपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड को एस्टैब्लिश करना है. तो इसमें जो रिक्वायरमेंट को पढ़ना इज एन आर्ट, जिसको हम कल से सीखना शुरू करेंगे, कि आपको ये बड़ा क्लियर हो जाए कि आप उसमें समा जाएं उस सवाल में, उसके रिक्वायरमेंट्स को अब्जॉर्ब कर लें, ताकि जब आप केस स्टडी पढ़ें तो आपके लिए रेलेवेंट और इररेलेवेंट अलग होता नजर आए. वो तभी होगा जब आपको रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह आप एब्जॉर्ब कर चुके होंगे. ठीक, तो आपका राइट फ्रेम ऑफ माइंड स्टैब्लिश होगा, माइंड मैप बनाएं. तो जो क्वेश्चन वर्ब्स हैं कि एक्सप्लेन है तो क्या चाहिए, आइडेंटिफाई तो क्या है, इनके हर क्वेश्चन वर्ब का अपना मतलब है. तो कल अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि इनमें डिफरेंस है क्या, इसको एड्रेस करने के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो जो चाहिए हमें कहाँ से लेनी है, क्वेश्चन से लेनी है. तो पहले हमें माइंड बनाना है, कह रहे हैं मुझे वर्ड भी चाहिए और वाई भी चाहिए एक्सप्लेन. एक्सप्लेन से मुराद क्या है कि मुझे वर्ड भी चाहिए और स्ट्रेंथ. तो मुझे वर्ड भी चाहिए कि स्ट्रेंथ क्या है और वाई भी चाहिए स्ट्रेंथ क्यों है,
कि दोनों सवाल मुझे पढ़ते हुए, और अगर होता तो कि स्टेट कर दें, लिस्ट कर दें, तो मुझे सिर्फ वर्ड चाहिए था, वाई नहीं चाहिए था। तो इनमें डिफरेंस क्या है, कैसे उसको स्टैब्लिश करना है, वो पहले स्टैब्लिश करके फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना कि मुझे, ताकि मुझे पता हो कि मुझे चाहिए क्या इस क्वेश्चन में से। तो टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल, हम 2:1 के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, 3.5 घंटे के अतबार से 15% एडिशनल टाइम उसको एडिशनली कंसिडर करेंगे। एलोकेट एटलीस्ट हमारी प्रैक्टिस जो है इस 3.5 घंटे में भी 25% हमें रीडिंग एंड प्लानिंग में लगानी है, और हमें जो पेपर अटेम्प्ट करना है 3.5 जो 6 नंबर का, वो हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी तो 75% टाइम में ही इसको अटेम्प्ट 3.5 घंटे का उसको अटेम्प्ट करने की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन रिक्वायरमेंट देखिए कितने क्वेश्चन है, सब रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर आप किसी पे स्टक हो रहे हैं तो आप उसको मूव ऑन कर जाए, वहाँ पर स्टक ना रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना रोल, अपनी ऑडियंस, अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करना, किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें, एक्टिवली रीड करें, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें की पॉइंट्स को, कैसे करना है हम कर करेंगे। रीड द रिक्वायरमेंट अगेन आफ्टर योर सिनेरियो पढ़ने के बाद दोबारा रिक्वायरमेंट पढ़ें जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, फिर अपना एक आंसर का प्लान चॉकआउट करें, पहले प्लान करें, पहले सोचें फिर लिखें। ऑर्गेनाइज थॉट्स टू राइट की थिंग्स एंड कवर 100%। एक ही बात को लिखने के लिए तमहीद बांधते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, थक करके लिखेंगे आपको नंबर मिल जाए। बेसिकली एक लॉजिकल पॉइंट का एक नंबर, आपको पूरे पेपर में 100 लॉजिकल बातें लिखनी है। जुमला बना के लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर आधा जुमला भी लिख लेते, अंडरलाइन कर लेते कि पॉइंट लिख लेते, तो भी आपको आधा पौना नंबर आपको मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो एक जुमले में, एक वैलिड पॉइंट में जो की वर्ड्स होते हैं वो 2 से 3 ही होते हैं, 2 से 3, बाकी काकू पे प्रपोजिशन मिला के जुमला बन जाता है। यहाँ पे आपसे अभी MSA 2 में आपसे लेटर लिखवा नहीं रहा, रिपोर्ट्स लिखवा नहीं रहा, जो कि प्रॉपर एक पैटर्न होता है, फिर आप कहते हैं एनालाइज करें, अभी वो भी SCW का वो टच भी इसने अभी नहीं दिया। सो की पॉइंट, और वैलिड पॉइंट के अंदर जो की लॉजिकल पॉइंट होता है ना पूरे जुमले में, जो जान होती है, वो एक लफ्ज या 2 लफ्ज होते हैं। तो ये 100 से 200 अल्फाज हैं, क्या हैं, 100 से 200 अल्फाज हैं, ये रेलेवेंट कैलकुलेशन हैं जो कि आपको नंबर, समझा रही, इसमें से आप जो लिखते हैं वो तमहीद थॉट आपको पंजाबी में आते हैं, इंग्लिश मैंने उर्दू से बनाना सीखी थी, वो स्कूल जाता ही गोज टू स्कूल, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस में भी कुछ टाइम मेरा और जज्बात कुछ इस पेपर तक आते तक भी बह जाते हैं, सोचता कुछ हूँ, कहना कुछ चाहता हूँ, कह कुछ पाता हूँ, और जैसा कहता हूँ तो वो समझता भी कुछ है, तो फिर ये इस सफ़र में भी कुछ जो है वो काफ़ी कुछ इधर उधर डुल जाता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स को अकाउंट फॉल करते हुए ये चैलेंज आते हैं, तो लेकिन देखा जाए तो कोर वही चीज़ है। अब आपने उस चीज़ को चाहे 3 लफ्ज़ों में बयान कर दें, चाहे 3 लाइनों में बयान करें, उसको की लफ्ज़ मिलेगा तो कौन नंबर मिलेगा। यानी कि उसने आपको कहा है कि मुझे एक्सप्लेन करें स्वॉट, मुझे स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करें, आप लिखते हैं कि चूंकि ये है फलां धमाका वो नीचे स्ट्रेंथ ऊपर नीचे, और आपने 4 लाइन लगा दी। भाई अगर आप सिर्फ इतना लिख देते कि यार के उसके पास स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स है, क्या लिख देते, स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व्स हेडिंग है, तो आपका नंबर व्हाट आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपने नीचे लिखना है कुछ एक्सप्लेन करना है, तो वर्ड तो आपने कवर कर लिया, हेडिंग ही आपने ऐसी लिखी, आपने हेडिंग ही ऐसी लिखी कि वर्ड कवर हो। अब एक्सप्लेनेशन में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है ये है वो है, आप लिखे वाई लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हैं कोई फायदा नहीं। कंपनी XYZ मे यूटिलाइज दिस कैश रिजर्व टू बिल्ड दिस, टू अटेन मार्केट शेयर, टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, वाई का वर्ड की वर्ड क्या था, टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी, ये मिल गया नंबर में, नहीं तो आप जो मर्जी आई मैं शेयर कोई फायदा नहीं। तो पहले सोच लें कि यार वर्ड क्या और वाई क्या है, कोर वर्ड क्या है, वर्ड एक जो दो ही नहीं, पहले उसको सोच लें फिर लिख लें, और लिखे शॉर्टेस्ट अप्रोच करके मैंने ये मैसेज तक पहुंचाना है कम से कम अल्फाज, ये कम अल्फाज जितना आप टाइम सेव करते चले जाएंगे तो आपको फायदा। तो आप चॉक आउट करना आंसर प्लान, थॉट को ऑर्गेनाइज करना, की थिंग्स एंड कवर 100%। कवर तभी 100% कवर करेंगे जब आप छोटा छोटा सारा कवर करेंगे।
अगर तो आपको लगता है कि ए में पूछा है कि चैलेंजेस और बी में इसका रिकमेंडेशन, तो आप रिक्वायरमेंट को बंडल भी कर सकते हैं, यानी कि लकीर लगाएं पार्ट ए और पार्ट बी, अगर आपको लगता है इकट्ठा तो वो भी करने का ऑप्शन है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ही होते हैं और हर पार्ट को आप नए क्वेश्चन से आप शुरू करें। ब्रेथ ऑफ आंसर इज इंपॉर्टेंट, जिसने पहले ही बात की गई कि अगर आप डेप्थ और ब्रेथ में चलेंगे तो पहले ब्रेथ कवर करनी फिर आपने डेप्थ कवर करनी है। न्यू पेज फॉर ईच रिक्वायरमेंट हेडिंग सब हेडिंग, कोशिश करें कि उसकी ज़िंदगी आसान करें एग्जामिनर की, उसको रिक्वायरमेंट सामने सामने मिरर होती नजर आ रही है। शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैराग्राफ, और हर नया आइडिया अगली लाइन से, जहाँ पे ख़त्म हो जाए अगली लाइन से, जितनी वाइट स्पेस होगी खुला खुला लिखेंगे। अगर आपकी लिखाई मेरे जैसे भी है तो भी कवर हो जाएगी, बहुत अच्छी लिखाई है उसको उसके अंदर आपने घुसाया हुआ है वर्ड से वर्ड, तो फिर भी चीज़ उतनी निखर के सामने नहीं आएगी। ठीक, इसको हम कल इसको प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप वो आंसर करें जो आपसे पूछा गया है, ताकि वो जो आप चाहते हैं उसको बताना। ठीक है, तो उससे पूछो वो क्या चाहते हैं, उसकी ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश पे सवार करें, ना कि अपनी ख्वाहिश उसमें मुसलत करने की कोशिश करें। कि आपने एक रटा लगा के एक सवाल का जवाब अगर पैटी लिया है किसी आई सी डब्ल्यू का, अब आप पे फ़र्ज नहीं होगा कि आपने उसको रिप्रोड्यूस करना ही करना है। फोकस करें, टर्म्स क्या हैं, एग्जामिनर को हेल्प करें कि आपको, और कौन जनरल रूल के एक कॉन्सेप्ट जब आपने बता दिया फिर अगली नए से नया कॉन्सेप्ट दिया, ताकि उसको आपको मार्क्स देने में आपको आसानी हो। माइंड योर वर्ड्स पर सेंटेंस, जहाँ पे केवियर्स यूज़ कर रहे हैं, जजमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली लिखें कि बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड मैं ये बात कर रहा हूँ, ताकि अपना प्रैक्टिकल जरा आप लिमिटेशन आप देते रहिए किसी भी रिपोर्ट से पहले, तो आपकी लिमिटेशन उसको प्रॉपरली अकाउंट फॉर आप कर रहे हो। डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, उसको नहीं चाहिए। नॉट रिपीट व्हाट इज ऑलरेडी कंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, कोई नंबर नहीं है इसका। डू नॉट रीच टू कंक्लूजन विदाउट स्टेप बाय स्टेप डीलिंग, रीजन कंक्लूजन है, कंक्लूजन का नंबर नहीं है, रीजन कंक्लूजन नंबर। डू नॉट ओवरलुक इजी मार्क्स, डू नॉट फॉरगेट टू गिव रिकमेंडेशन एडवाइस कंक्लूजन, जब भी आप अगर आपसे कहा गया है रिकमेंडेशन दे तो आपने देनी है, अगर नहीं कहा गया रिकमेंडेशन दे तो भी आप अपने आंसर को कंक्लूड जरूर करें। आपसे रेंज ऑफ वैल्यूज मांगी है, आप डिफरेंट रेंजेस बताएं, और फिर आखिर एक पैरा कंक्लूडिंग पैराग्राफ जरूर दें, अपनी डिस्कशन को समराइज करें। और डू नॉट स्टक इनटू सिंगल रिक्वायरमेंट। एक बड़ा मसला पेपर्स में आता क्या है कि लोग इंटिमिडेटेड होते हैं बाय कंटेंट, तो उसके लिए तरीका यह है कि आपने जब 10-15 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे टाइम बाउंड कंडीशन में, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसमैनेज ना करें सीक्वेंस, सीक्वेंस को फॉलो करें, आंसर को पहले थॉट आउट करके डिसीजन करें। कोई भी नया क्वेश्चन पार्ट शुरू करने से पहले देख एक दिन उनका चॉकआउट करें प्लान, और फिर पहले सोचें फिर लिखें, क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, आपको हमेशा शॉर्टकट चाहिए टू कवर 3.5 घंटे। कैजुअल राइटिंग को अवॉइड करें, जिस किस्म की ऑडियंस हो उसको यूज़ करें। कैलकुलेशन में अगर स्टक हो रहे हैं, कोई डाउट है अजम्पशन ले आगे चलें, जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दी। अगर कोई रेलेवेंट टूल है जहाँ 5 forces मॉडल इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, तो उसको ज़रूर मेंशन करें, उसको बड़ा पसंद है कि आप जो है ना वो उस मॉडल का जिक्र करें। कोई स्ट्रेटजी को वैलिड करना है तो जो आपका डिफरेंट मॉडल है इसका, सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी, SAF मॉडल, वो बड़ा पसंद है उसको। ठीक है, अगर नाम नहीं मेंशन करें तो कोशिश करें उसका सारा कंटेंट कवर होगा, तो नाम मेंशन कर देंगे तो आपके आंसर में क्या होगा कि बड़ा उसकी वैल्यू एड हो जाएगी। जो बुक्स आपने लेके जानी है ऐसे ऐसे आप करीब जाए पेपर के 1.5 महीने पहले, जो आखिरी में जो अपने प्रैक्टिस करनी है 2 दिन पास पेपर की, वो फिर अपने बुक्स मार्क करके रेफरेंस दे दें ओवर द पीरियड, और फिर उसको यूज़ करें जिन किताबों को लेकर जाना, ताकि आपको उस किताब को अगर यूज़ करना है भी है तो आपको उससे मुमासलत हो पेपर वाले दिन में, वो चैलेंजेस ना हो रहे। और आपके पास अगर वक्त ख़त्म हो गया है तो बजाय इसके कि आप ये लिखें कि अब आप NPV की कैलकुलेशन कर रहे हैं और अभी आपने ऑपरेशन फैक्टर भी देखने हैं और रिस्क फैक्टर भी देखने हैं, तो बजाय इसके कि आप फाइनेंशियल कंक्लूड करें आप वहीं पर रुक जाएं, और आप बोलें कि यार इसके बाद अभी मैं इन एलिमेंट्स को कंसिडर करूँगा, इसके बाद मैं ऑपरेशनल फैक्टर्स देखूंगा, स्ट्रेटजी देखूंगा, जो ओवरऑल व्यू में सबको देख, तो ये अब्रप्टली एंड करने से बेहतर है कि आपके पास जो वक्त बच गया तो आप ये लिख दें कि मैं मजीद अगर वक्त होता तो मैं क्या करता, वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आपके एक सी चीज़ को सीधे करने में आप लगा दें। रियली ब्रेथ वाली बात, एज टाइम विल गिव 2-3 लाइंस ऑन व्हाट मोर यू वुड हैव डन इफ टाइम हैड कंटिन्यूड, तो कुछ कंक्लूडिंग लाइंस आपको देनी चाहिए। और अगर टैक्स या लॉ का ऐसे मैटर, वहाँ पे आप अजम्पशन लें, वहाँ पे आप कोई लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है आप,
तो वहां पे उन एरियाज में आप जो बी प्रिसाइज बी ब्रीफ स्टिक टू व्हाट यू आर श्योर डोंट मेक एनी अजम्पशंस ऑन एथिक्स एंड गवर्नेंस पार्ट. और जिस तरह हम आगे चलते हैं तो जो टॉपिक हम लोग पहले कल पढ़ना होगा मैं आप पहले आपको बता दूंगा. जैसे कल हमने पहले बीएम की स्टडीज पढ़ेंगे और जो कल का टॉपिक है वो स्वॉट एनालिसिस है. ठीक है. और अब आपका क्वेश्चन होगा इसको हम कहाँ से कवर करें. जो आपके जो भी आपके रेलिवेंट नोट्स हैं वहाँ से कवर करें बट उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बड़ा ज़रूरी है. तो मैं आपसे एक डिफरेंट आर्टिकल्स का लिंक भी शेयर कर दिया करूँगा जो प्रैक्टिकल हार्वर्ड के या डिफरेंट बिजनेस स्कूल्स के आर्टिकल लिखे हुए हैं. ACCA भी कई दफ़ा बड़े अच्छे आर्टिकल लिखता है. सो मैं आपसे वो आर्टिकल लिंक शेयर कर दूंगा तो आप उन आर्टिकल को जरूर पढ़ के आया करें. बाकी जहाँ से आपने पढ़ा तो उसको रिवाइज कर दिया करें. ठीक है. तो मैं आपको एक दिन पहले बता दिया करूँगा कि किस एरिया से हम टेस्ट करें ताकि आप कल नेक्स्ट जो कल जो हमारा टॉपिक है पहली केस स्टडी वो स्वॉट एनालिसिस से तो आप स्वॉट और जो रेलेवेंट लिंक है मैं वो शेयर कर दूँ. इसके अलावा जिस तरह 2-3-5 दिन का गैप आता है शुरू में स्पीड थोड़ी कम होती है और आपको अगर कि अपना पूरा कोर्स रिवाइज करना है किसी ने बिल्कुल अभी पढ़ा हुआ है किसी ने बहुत पहले का पढ़ा हुआ है तो पूरा कोर्स स्कोप ऑफ स्टडीज तो दिया हुआ है ICAP की वेबसाइट और वही वही कंटेंट है. मैं उसको शॉर्ट नहीं कर सकता. हाँ लेकिन मैं जरूर कह सकता हूँ कि कंसिडरिंग द पास्ट ट्रेंड एंड ओवरऑल व्यू दीज आर द टॉपिक्स जिसकी जो कि 80% जो जो टेस्टिंग है वो इन्हीं एरियाज में से शायद कोई एक्सेप्शन 90% तक भी टेस्टिंग है. 5-10% की एक्सेप्शन हो सकती है क्योंकि मैं नहीं कह रहा सिर्फ स्कोप यहाँ तक डिफाइंड है. स्कोप तो वही है जो वहाँ तक डिफाइंड है बट तो ये वो मैक्सिमम एरिया जो ज़्यादा टेस्ट होते हैं यानी कि वो कोर्स का वो 30-40% है जो कि 80-90% यहाँ से पूछा जाता है. तो इसको बताने का मकसद ये है कि यहाँ से तो इन एरियाज के सारे सवाल तो हमने करने ही करने हैं. बट आप कहते हैं यार अभी मेरे पास टाइम है मैं अवेलेबल हूँ पूरा वीक मैं क्या करूँ मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ. तो आप जो है ये करें कि आप इन टॉपिक को साथ साथ रिवाइज करना शुरू कर दें. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि आप जो है वो अलाइंड रहेंगे और ये उनको एंड टाइम टॉपिक का तो कोई चैलेंज नहीं होगा. ठीक है. सो ये बिजनेस मैनेजमेंट में देखें तो स्वॉट पेस्टल स्टेक होल्डर मैपिंग एनसॉफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्विजिशन स्ट्रेटेजिक अलायंस डेटा मैनेजमेंट HR दी आर वेरी दो टॉपिक विच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है. ऐसे ही BM में वैल्यूएशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ट्रेजरी. ठीक है. आपका दीज आर और जो NPV भी इसमें आप ऐड कर लें NPV का टॉपिक भी जो आपका कैलकुलेशन है. और टैक्सेशन में ज़्यादातर ग्रुप टैक्सेशन नॉन रेजिडेंट सैलरी टैक्सेशन बहुत पूछी जाती है बट इसके अलावा अब तो खैर और भी चीज़ें ऐड हो गई हैं अमलगमेशन के टॉपिक्स आपके. लेकिन ये वो बेसिक टॉपिक्स है जो कि कम से कम आपको ग्रुप जहाँ पे टैक्सेशन होती है जहाँ पे बिजनेस एंटिटी में चेंज आ रहा है मर्ज हो रहा है एक्सपोर्ट्स रॉयल्टी बार की इनकम इन बार से इनकम इधर लोकल आ रही है तो ये वो टॉपिक्स है जैसे फ्रीक्वेंटली आस्क टॉपिक्स है बट एक्सेप्शन को इट कैन ऑलवेज भी जैसा सेल टैक्स दफा उसने पूछ लिया था. जो 3 स्किल्स हैं बेसिकली जो की आर्ट है जिसमें अपनी प्रेजेंटेशन कंक्लूड करूंगा. एक जो स्किल उसने टेस्ट करनी है MSET उन्हें 3 स्किल आपको टेस्ट करनी है. एक है रीडिंग एंड असिमिलेटिंग नंबर 1 स्किल. दूसरी स्किल जो टेस्ट करनी है आपका प्रोफेशनल एनालिसिस और तीसरा आपका टाइम मैनेजमेंट. रीडिंग एंड असिमिलेटिंग स्किल जो है वो और जो मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन है ये आर्ट है. इसके लिए MSET2 की वर्क स्टडी हम अटेम्प्ट करेंगे और हम ICW के सॉल्यूशंस को रीड करेंगे ताकि अपना कंटेंट हम बेहतर करें. ठीक. और फिर जब हमारी क्लासेस खत्म होगी तो जिस किस केस स्टडी जो मुझे लगता है कि ICW की बहुत अच्छी है मैं आपको वो भी मार्क करवाऊंगा कि आपने इसका सॉल्यूशन कम से कम जरूर पढ़ना है. ऐसे टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और हमें इंश्योर करना है कि हम कोर्स खत्म कर लें मॉक से पहले आप तक एटलीस्ट 3 पास पेपर आपने 3.5 घंटे में अटैम्प्ट करने हैं. ये वो पास पेपर है जो हमने बीच वाले छोड़े होंगे जो आप आके अटैम्प्ट कर रहे होंगे. दिस इज ओवरऑल प्रेजेंटेशन फ्रॉम टुडेज फर्स्ट क्लास. और कोई क्वेश्चन है किसी का तो यू शी कैन आस्क. अभी आज रात तक ये प्रेजेंटेशन आपसे ग्रुप में शेयर हो जाएगी. नंबर 1 जो स्वॉट का टॉपिक आपने अपनी रेलेवेंट बुक से पढ़ने या उसके जो एक डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं डिफरेंट बिजनेस स्कूल्स के उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा ओपन सोर्स है तो वो भी आपने कल के लिए पढ़ के आना है. तो ये 10 रीज़न फॉर टुमॉरो. जी वो तो वहां से पढ़ना ही पड़ना जो आपके अपने नोट हर एक आपने अपने नोट के प्लस जो मैं आपको चीज बताऊंगा वो आपने एडिशनल पढ़ के आना. लेकिन आपको पता है यार मेरा वो टॉपिक अच्छा से आ रहा है जो मैं आपको दे रहा हूँ पढ़ के आना दैट इज फाइन. डिपेंड करता है कितना पुराना आपने पढ़ा हुआ. अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा तो फिर जरूरत नहीं है 2 साल हो गए हैं. कोई BMS बुक थी कोई आपकी नोट्स थी कोई समरीज थी जहाँ आपको लगता है कि मैं 10 मिनट लगा के रिवाइज कर लूंगा
हर एक अपना अपना होता है जिसने जहां तैयारी की है, और एडिशनल जो कंटेंट आप जो उसका नेक्स्ट लेवल पढ़ने के लिए वो मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, जो नॉलेज गैप है सीधा सीधा वो तो हमें कवर करना ही करना क्लास, वो तो मैं पूरा क्लास में पढ़ाऊंगा। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है फ्रेश जो है नॉलेज उसके लिए, फिर ज्यादा फोकस उस पर करी जो मैं चीजें शेयर करता हूँ उस पर फोकस करें, और ICW के जो आंसर हैं क्वेश्चन के आंसर उनको ज्यादा पढ़ने फोकस करें, ताकि जो एक स्किल वाला आर्ट डेवलप हो तेरा। वो देखो ना, एक अनऑफिशियली आपने एक रोल्स बनाए, उसको फोटो कॉपी करा ली, उस बाइंड करवा लिया, कल को वहां पे ना पकड़ सका तो आप ले जाएं, लेकिन ऑफिशियली तो नहीं है ना वो, मतलब बुक तो नहीं है, लेकिन जुगाड़ तो मतलब मैं तो नहीं अलाउ कर, ट्राई कर लें, मतलब जा भी सकते हैं, नोट्स का प्रिंट करा लें बुक के अंदर, आप उसको कंपाइल कर लें तो बुक की शक्ल ऊपर आप फोटो शोटो लगा लें तो आप ले जाएं इस तरह करके। सर आप टेक्स्ट पढ़ाए बिना MS2 पढ़ाना रिकमेंड करते हैं? नहीं, मैं टेक्स्ट पढ़े बिना MS2 तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन टूवर्ड द एंड आपने MS2 टेक्स्ट के टॉपिक कवर कर लेने हैं तभी आप बेहतर ही है, लेकिन कम से कम उतना देरी कि दो लेक्चर आपको मिल जाएंगे क्या कहते हैं बिलाल साहब के भी, सो उससे भी आपको एक एंड कवर हो सकता है। देखिए जाहिर सी बात है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप ना पढ़े बगैर पास हो जाते, तो मैं तो स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बट 5-10 नंबर हैं। अब आप कई लोग टेक्स्ट पढ़ के भी सेल टेक्स जिस टाइम में आ गया था तो वो भी अटैम्प्ट नहीं कर सके थे, फिर लोगों ने फिर भी पास किया। सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि देखो अगर तो बहुत ऐसा होता कि पेपर ना पास होता तो फिर तो ICAP भी रिस्ट्रिक्शन लगाता ना कि आप अटैम्प्ट ही ना कर सकते, बट जरूरी तो 5-10 नंबर है, मैं तो ये नहीं कर सकता कि अब आपको अटैम्प्ट कर लेंगे, जाहिर सी बात आपने पढ़ा होगा तो अटैम्प्ट कर लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो एक चैलेंज रहेगा हमेशा आपके लिए। विच बुक डू यू रिकमेंड, ये हम आखिर जाके डिस्कस करेंगे आखिर, अभी तो आप जो मैक्सिमम जहाँ से आपको नॉलेज मिला वहाँ से लेना अभी तो आप, ये तो जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो किताबें लेके कौन जानी है इसको, तो उसमें हमें डिस्कस करेंगे कौन सी यूज़ करेंगे। अभी तो आप जहाँ जहाँ से आपने जो पढ़ा हुआ जो भी आपके रेलिवेंट बुक्स हैं उस टॉपिक के लिए आप वहाँ से पढ़ें, नॉलेज ओपन सोर्स है, चाहे गूगल करें जो मर्जी करें, उस टाइम के अंदर आपने उस चीज़ को कंक्लूड करना। कैन वी टेक बाइनरी मेटीरियल एग्जाम, इसको हमने डिस्कस कर दिया। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन? टॉपिक्स तो मैंने बता दी, यही आपने पढ़ने हैं अपने बुक से, लेकिन मैं मैक्सिमम ये करूंगा कि मुझे लगता है शॉर्ट, मुझे लगता है कि उसके अंदर शॉर्ट के अंदर टोज एनालिसिस आपने नहीं पढ़ा हुआ। वही तो कुछ भी नहीं था, तो मुझे लगता है यार कि इसमें वो कंटेंट नहीं था जो कि एड्रेसेबल था, तो मैं आपको एक आर्टिकल शेयर करूंगा, आप वो आर्टिकल पढ़ के आएंगे कल, उससे मुझे लगता है कि आपका नॉलेज गैप कवर हो जाएगा जहाँ मुझे, लेकिन जो BFD के टॉपिक्स हैं वैल्यूएशन ये चीज़ें वो जहाँ तक मुझे लगता है कि बुक से कवर्ड है वो कवर्ड है, जो मैंने पढ़ाना होगा मैं पढ़ा दूँ। तो अभी आप नहीं करना है, अभी कल के लिए किया है स्वाट, जहाँ से हमने पढ़ा तो वहाँ से पढ़ लें, और जो मैं आर्टिकल शेयर करूँगा उसको अच्छी तरह पढ़ के आ जाए कल के लिए, ठीक है जी? सॉरी मेरी सुनने, हम जो आपने डिस्कशन करनी है ना हम कल करें, उसके बाद करें, तो मेरी एक कॉल है वो शुरू हो चुकी है 10 मिनट से, तो मैंने उसको ज्वाइन करना है, ठीक है? तो बाद हम फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह। और थैंक यू जी, जो हमारे डू वी कवर इन क्लास ऑल पॉसिबल सिनेरियोस टू बी टेस्टेड? यस वी विल कवर इन द क्लास ऑल पॉसिबल सिनेरियोस, इन सब की केस स्टडी या हम क्लास में कर रहे होंगे या हम टेस्ट में कर रहे होंगे, जो मैंने सारी चीज़ें लिखी थी ये एक एक दफ़ा डिस्कस जरूर होंगी, और कुछ रह जाएगा तो मैं मौके पर पूछूंगा, परेशान नहीं होना। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।